तो उसी के साथ हम अपना एजेंडा कंटिन्यू करेंगे और बुलाएंगे अगले स्पीच के लिए श्री तांगा केना जी को, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RWD. सर प्लीज स्टेज पे आए और आपका स्पीच प्रेजेंट करें सर. मुख्य हीरा इंजीनियर तबे धोनी, चीफ इंजीनियर रिटायर्ड PWD और माननीय फॉर्मर मिनिस्टर टाकर धोनी जी, माननीय XMLA पंगा बागी जी, माननीय एक्स जिला परिषद मेंबर एडवोकेट पुतोबुई जी, माननीय हाली मैडम ZPM गित्रुपा और पूजनीय हमारा रेपरोनिया IS टायम्बागे रिटायर्ड ADC ताजाताजी जी जनरल मैनेजर नेपको कुदुगा में जी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ADO हाले जी और हमारे ऑफिशियल्स एंड ऑफिशियल्स जो यहाँ प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, और सीनियर मेंबर्स दुमबुरजी का सीनियर मेंबर्स हमारे नर्त रिबा जी और अभय मार्दे जी, रोमिक केना जी और सभी दुमबुरजों से आए और इटानगर से आए दुमबुरजों के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी जो इस फंक्शन में उपस्थित है सभी को नमन. सबसे पहले मैं हमारे धोनी मैडम पूरम धोनी जी को और उनके बेटो धोनी बेजुम और पुत्रियां BP बेगम सभी को, धोनी फैमिली को, हमारे आज जितने मौजूद हैं हम सब आपको बहुत ही धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना घर के हेड जो चीफ इंजीनियर से जो रिटायर्ड हुआ है उसके लिए आज इतना भव्य स्वागत और लंच प्रोग्राम अरेंज किया है ताकि हम सब चाहने वाले, दुमपुरजों के सब चाहने वाले हमारे इस प्रोग्राम को दर्शन कर सकें. तो वैसे तो हम एक इंजीनियर हैं, कुबेदुन हमारा इंजीनियर के लिए एक प्रेरणा है. वो अपना असिस्टेंट इंजीनियर से लेकर के अभी चीफ इंजीनियर तक सफ़र किया है और फुल्ली अपना टेन्योर को निभाया है. 33 इयर्स सर्विस में उन्होंने कहीं डिस्ट्रिक्ट में काम किया है, कितना रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट, हेलीपैड, हाइडल, ये सब बनाकर आए हैं हमारे अरुणाचल के लिए, अरुणाचल के उत्थान के लिए. तो इसलिए मैं हमारे अरुणाचलवासी के तरफ से हमारे इंजीनियर कुबे धोनी जी को हम आपका शुक्रगुजार और धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना लॉन्ग स्पान ऑफ सर्विस, अराउंड 33 इयर्स ऑफ सर्विस में हम अरुणाचल को यूनियन टेरिटरी से लेकर भी स्टेटहुड तक आपने ऐसे इंजीनियर अपना योगदान दिया है अपने स्टेट के लिए. और सभी इंजीनियर्स लोग को भी मैं ऐसे सीनियर इंजीनियर होते नाते हुए मैं अपना जूनियर इंजीनियर लोग को भी और अपना सब जूनियर सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स लोग को यही बताता हूँ कि एक एडवाइस देता हूँ हर रोज, टू बी ए सक्सेसफुल इंजीनियर यू हैव टू बी मोर पॉलिटिशियन देन द पॉलिटिशियन. तो वैसे धोनी सर ही एक एग्जाम्पल है हमारे इंजीनियर्स के लिए. ही इज ए
he is fit for this job. He is more politician than the politician. That's why he is a successful engineer from A to chief engineer. आप सभी को मालूम होगा जब वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे तो हमारे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर गेगोंग अपांग उनके इंक्योंग में अपर सियांग में वो पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में उसको पोस्टिंग दिया है जो सीएम का कॉन्स्टिट्यूएंसी में है. वैसे ही उनके सिंप्लिसिटी उनकी ऑनेस्टी अपना काम पर सिंसियरिटी को देख करके हमारे प्रेजेंट सीएम पेमा खांडू सर ने भी उनको जब चीफ इंजीनियर प्रमोशन हुआ चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी तवांग में नियुक्त किया है. तो इसीलिए और वहाँ से आज रिटायर होकर तवांग से आज यहाँ रिटायर होकर आ गए हैं. तो इंजीनियर कुबे दुनी विल बी एन इंस्पिरेशन फॉर द इंजीनियर्स फॉर एवर फॉर वी इंजीनियर्स. सो हमारे इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी के तरफ से और एज ए मेंबर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इंजीनियरिंग सर्विंग एसोसिएशन आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर हिज रिटायर्ड लाइफ. हिज आगम एनोलॉग जाबरकू शिलोंग लोग तबे दोनी ने नून सार हम योकु का नूनु मिल अत कूबे हम तक आई अब कूबे हम तक ओक अच कूबे हम तक किंबु कूबे हम तक ओक मागत कुत यो नाम रखो एड्रेस तो का सार हमने कुबे दूरी सार हम हम यो कुका गुनु इजा गुनु को दुमपुर जो सर्विस एसोसिएशन लोग के बीम ने गुनु टिपक दुख नक जिलो लोग के बी पब्लिको को ये गुनु का इंजीनियर टाम इंजीनियरिंग टाम्स लो ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर हम देने ना बो तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वे ए सी वो दुका तो हम लोग बाकी नून से कॉन्टेक्ट सॉन्टेक्ट ऋण ऋण के दचैन रहे टीओ मून सर्विस धूमपुर जो सर्विस एसोसिएशन लोग के कुबो कुबे दुनी ने टीओ मोक रहे मैं नून पब्लिक लोग के पब्लिक लोग नून हेड ओवर दुकना नून हिजा हिजा बे सार को मो बे पब्लिक को ही हम लोग उन इंजीनियर उन दुमपुर जो सर्विस एसोसिएशन लोग का उन उन नून हम पब्लिक में हैंड ओवर दुकना नून पब्लिक एक्सेप्ट दे रहे हम बर बोलो आल्दो हिजा उन उन नून हमने उन इंजीनियर लोग उन का सर्विस एसोसिएशन लोग का नून हम हैंड ओवर दुकना जिलों लोग के कुविदों ने पब्लिक को होता है लो वो इंजीनियर सिर्फ नहीं है. जब सर्विस करते समय में जब एक्शन था एसी था वो एक सोशल वर्कर भी है सोशल लीडर है कुबेदुनी. आज से कम 15-20 साल पहले उसने उन्होंने देखा कि अपना जैसे दुमपुरी जो हो गया ये मारो हो गया बारेरी जो हो गया वहाँ रेसिडेंशियल स्कूल नहीं है. हमारे बस्ती के गरीब परिवारों लोग एक रेसिडेंशियल और बोर्डिंग स्कूल का लाभ उठाना लाभ नहीं मिल रहा था. उनका इतना दूरदर्शिता है कि उसने तपी में एक रेसिडेंशियल स्कूल खोला है ताकि बस्ती के गरीब बच्चे भी वो स्कूल में पढ़ सके. यही है सोशल वर्कर. ये सिर्फ नहीं उन्होंने अपने बस्ती में आज से 10 साल पहले उसमें ना राइस मशीन था ना ट्रैक्टर था हम लोग का सपना नहीं था. अपना गरीब किसान को देख करके उसने एक
अपना बस्ती में एक ट्रैक्टर प्लस एक राइस मिल दान किया है ताकि सब बस्ती वाला लोग उसको लाभ उठा सके, यही विजन है उनका। हमरिला उन गुबे दुनी सर बहुत ही वो तो मक्त हमरे को मक्त खूबे हमरे को जा मक्त खूबे बहुत ही सोशल आदमी है, बहुत सिंपल है, बहुत ऑनेस्ट है, वेरी माय डियर। तो आज से उन गवर्नमेंट लोग का उन लाले नानू नम हैनावर जीत को न जो नूनू को पूरे कोई नून गाम लो अची तुक्का जीत जेत पे मत को का माँ ऑनेबल मत का नून को पूरा उन उन पार्टी उन गवर्नमेंट सर्विस एसोसिएशन लोग नून पब्लिक हम हैनावर दुकना ओके मत खूब है नो रिक्वेस्ट देना नो इजा पब्लिक को अदिन बसर को 33 years ago, no government, government ga, okta government nokri lo rela, okta lo ekdam post department lo PWD rela, pion ko choki tare ko gari ko, mullu subidam no lal de kapa, no hija no public no public ko, public ka yam costo pa 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 beji yam si no path ko kai, to lo napam to chali hija no jo re ko kai tan gor jo, napam to chala नो नो निकम गुद्दम ने एरेक दाना ही एरेक एरेक लोग दाना कामा भी कुरु लोग ही ताक लोग नो गुस्ता का ना पम चाला कुला हम रिला नो नो हैप्पी लाइफ स्पेशली फैमिली ने नो नो बेटो बुनो और का आओ गद एक जिम गद नो एकदम नो फ्री टाइम पर को नो एवर टाइम बु को बुन तू है एकदम मकेने आत को फैमिली अरे इजा परमानेंट काबे मिंगरु को अमरिला नो रिटायर्ड लाइफ हम अल्लब नो तुर लेलाका नो अब जिसु ने दोनी पोलो ने ओक मुग ओक भवान हमने कुम दिन बम और लंबा आयु दे ताकि वो और पब्लिक सेवा कर सके। मुल्ले हमने उम्बोनी अकजा जय दुपरिजो जय अरुणाचल। धन्यवाद। श्री रेपो रोन्या जी को IAS सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो प्लीज वेलकम है आपका। एंड द स्मॉल फैमिली ऑफ दुमपुरिजो ngo doni polen kumdo chilo alene muken aloe it's a day of rejoicing that he has superannuated unuga andarlo nokri 37 years 38 years em ringamma ve sigo dogo sok yaka inuka do mu BRSM ladakkom mu ge rich adika kuma un isko complete samasta hai every ne me si alne ago me mu kenna mago me ngo doni polon kundu mu retirement kokube rekendu kenbe relaka दुख कस्तो काम का मीनांग मैम सक्सेस मोला का हम नुकुम दो एडवांस बे दुमपुरी जो फैमिली हम हैप्पी न्यू ईयर रिकेन दुकेन बे आर एन साल सोरे मोला का थैंक यू। रोन्या जी दैट वाज सच अ शॉर्ट स्पीच बट आपने इतने छोटे से स्पीच में भी अपना पूरा दिल रखा सो उसके लिए धन्यवाद। कोई एंटी पार्टी नहीं है मुंग ने फुल रिटायरमेंट द मॉडरेम मानम उन पब्लिक तगिन मेम्मा गलो मेम्मा निसी मेम्मा दुमपुर जो पब्लिक इनवाइट ले मुंग ने दुमपुर जो जो नो एमएलए ब्रिज लब का ल इनवाइट पर मका ओक सोनिया गांधी नहीं है राहुल गांधी नहीं है उन गवर्नमेंट का कोई एंटी पार्टी नहीं है मोनु कांग्रेस के जमो अगर लोग को मुनु बीजेपी लोग कार्यकर्ता बिल देशान है अगर इन में जी ताकुपू निदुमपू मनम जब इन नाम लगा बे एमएलए सीट के लिए दुनिया साहब को मुनु गवर्नमेंट ने बुलाए पन मुन एनडीए सरकार का साथ में मुन अलायंस रहेगा एनडीए का बीजेपी सरकार का अंदर में रहेगा नरेंद्र मोदी सरकार का अंदर रहेगा पेमा खांडू सरकार का अंदर रहेगा किरण रिजिजू सरकार का अंदर में चार नम जो लोग उन सीधा मेहनत ने लोग उन बसारू लोग दुमपुर जो कंचन सिंह बसाई लग का नाम गुजमा
पब्लिक लुम्पु तो मेगला आगे ओवरऑल 30 इयर्स लो उन्हें टोटल डोमिनेंट बे पॉलिटिक्स रे नाम लगावे जलो फुल रिटायरमेंट मा दवे मुग ने जलो उन्हें कोलेन ने मेकर थैंक यू ऑल ऑफ यू मैं चाहूंगी वन ऑफ द सीनियर लीडर लोम्पाक पाकसोक जी को हु इज द सीनियर लीडर आल्सो ऑफ बीजेपी अरुणाचल प्रदेश सर आप आए और अपना सर स्पीच प्रेजेंट करें उनका इर खुबे दुनगा सुपर नेचुरल रिटायरमेंट नले कोला ऑल आशा बंग कोरिक दबाला गोकुम नाम जाओ गोब ने दोकपोला अगम जम्मा नाम लगावे थैंक यू वो एड्रेस मोरे वो कुदु गाम गा जो एड्रेस किया है उसको कॉपी पेस्ट करे करता हूँ एवरीन में समय को मई कानून चिन्ह इंतर दो दो एवरीन में आया गया इंटरेक्शन मतलब अजय नाम नाम कोरिक जिला हेंसंग मिला कोगा मिनिमम इंटरेक्शन रहता है क्लब लेफ्ट राइट और दोनों आया गया ऐसे इन्हों मां कोगा तले हेंसंग मिल का पूरा अपना अपना लेफ्ट राइट का आदमी लोग को पूरा हेंसंग किया तो एक एक दूसरे को प्लीज हेंसंग कीजिए गम सार सार को हेंसंग कीजिए मैडम नो उसको हेंसंग कीजिए सब कोई हेंसंग नहीं करे देखो आप लोग इंटरेक्शन नहीं हो रहा है इंटरेक्शन मतलब सबको आप एक दूसरे को चेहरे को अच्छे से देखना है ऐसे हिंसक करना है हेलो हाय बोलना है उसको बोलता है इंटरेक्शन देखा है तो बहुत कम लोग एक दूसरे को हिंसक नहीं किया है एनीवे अन्य नगो आगो में मत आवे एक ता शहरी को नू नाम ने ताम को रहे ये मी उप है लोक मोपद ओ काम नि मग दिस नु नु तबु यो काई ngok seri seri men nam jam nei ngo men se modab da men nam men to minji ji kore kon kehta hai bura ishq nahi karta hai kon kehta hai bura ishq nahi karta hai bura ishq karta hai zarur bura ishq karta hai zarur magar magar kai shak nahi karta hai thank you एवरीन में वो जोर सारोप तत्र भाई कन में दो अरे नो बीजेपी नहीं है तो लोग मुताबे साथ तत्र नहीं नो मर बोला एक्सप्लेनेशन नो रे हन गुरु वो दूर आपा वो में दो एक से कोई मतलब नहीं है वो पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है मावे दुनी रिलेशनशिप में भी बोलो वो ग समाज ग एरिया का दुमपुर जो कॉन्स्टेंसी का से भी बोलो स्टेट लेवल से बोलो एक स्टेट पिगर वाला आदमी इतना 33 इयर्स गो स्टेट हम सर्विस दिख रहे बैंक और निश्चित ही पक हम सर्विस दिख रहे रिटेन नॉलेज कुल जो लो दुमपुर जो जो अन का दुमपुर जो जो उन नाम ने नून नाम पब्लिक हम रेबान में पहले और कुने वो न्यू रिटायरमेंट समय जो निरुग जुरुग ने में वो आलम में तो मेमो तो हम आएगा बोल कर वो आया आई एवरीन में जेम अदर बुसिन ओग रेबाम दोबाम अजें गद पॉलिटिक्स हम अलग बे किल्त का गुन ग फेमेरे लो से दोगलो तुगलो नुगलो पॉलिटिक्स बे रियो जो काई एकला बे जे बुइसार ग नी सिन दुब दे गुमजुंग ग नी सिन दुब दे ई ग नी सिन दुब दे हे मिरु यो का जोल जो ओ नी या जी मोरो नी ले गोनु नाम प्राम आल्बम मेले सलाम दो ओके ngo ek ago mer jab jo mo just retired me gud ga leader nang ba example ko ngo anya no bank kore tungko bagra ngo closely ber minga pa tungko bagra commissioner lok to retail ne ndku to nyuk to zindagi me kisko aise kya nahi ya ni mun lakh lakh hazar hazar nahi ya good morning sir good evening sir murko bale jilo ko lir ko to kabhi aadmi ko aise karne ke liye uska saath hua hi nahi ya तो वहाँ का आदमी लोग पूरा इंस्टा किया है अरे ऐसे मत करो सर ऐसे करना पड़ेगा वो झुकने दिल नहीं है नहीं करना पड़ेगा ये पब्लिक में मजबूरी आप करना पड़ेगा अब इनमें अब कुम तन में नहीं है मांग चुन कुंगा बले मैडम कौन में नहीं है मुझे अगला मैं सात लोग लो सिन हक में सिचुएशन आएगा ये अगला मैं वो तो मैं दो सार तो उतना तो नहीं है न्यू तो सोशलाइज आदमी है पब्लिक में भी है गवर्नमेंट में रहने से भी फिर भी हमेशा ऐसे करना पड़ेगा आप लोग गुड मॉर्निंग सर गुड इवनिंग मैडम एन गुड शाला मैडम ठीक नहीं है सार काम नहीं है ऐसे बोलकर गाली गोला देने वाला भी बहुत आएगा पब्लिक लाइफ में आ जाएगा तो मतलब उसको भी हम लोग टॉलरेंस करना पड़ेगा बर्दाश्त करना पड़ेगा पहले जो ऑफिसर स्टेटस था उसको आप बरकरार मत रखिए अभी इतना चेंज होना पड़ेगा मतलब तो उनको बारा आ जाए कभी कभी अपना मिसेज को भी गलती से ऐसे भी करना पड़ेगा तो ऐसे क्या है तो दो बार अभी तक एमएलए बना है ना
एक्ला बे लीदर ही नाम नहीं मौजी युन कौन का तहिर के दन मिला युर बोलो कहीं ना कहीं एंगल से भी सार हो जाएगा ये हम चिंता यो का हर लोटरे हम सिं वो सिं टिको दो वन करोड़ हम इंजीनियरिंग सिं टी दो जितना भी देखने से वो नो पब्लिक कॉमन मैन के दे लोटरी लगता नहीं है कौन कहया बोलता है इंजीनियरिंग कहा दिया इंजीनियरिंग कहा दिया बोलता है आपका भी लॉटरी लग सकता है इसलिए लॉटरी को रुकना पड़ेगा ये मून कॉमन पब्लिक तो लॉटरी नहीं लगता है ऐसे होता है एनीवे बहुत अच्छा लगा आज हमारा सार का जो रिसेप्शन में गो गदुम्पू का सब सिन मन सेन अन पूरा ऑल जब रिसीव में मंगो आलू में दो ओके गोक त्रब एंड गोक फैमिली ऑन बिहाफ में सार नम नो युन गो नाम से तुम बोलता दुई पोलम ईश्वर तले ने कुमल कदने नोग इतना नो गवर्नमेंट नाम रिपोर्टेड रिपोर्टेशन हाई रिपोर्टेशन लो दो ग्रैंड में सर्विस देने के बाद जो नो तेवरंग काली तुकल उनके पब्लिक लाइफ लो होल का दे निक्से लंदा लो मोर भूमि रे लतु लंदा लो गो भंगीपुर है इज ओतनाम लातुम चित्तु अतम ओतनाम तीर पक्तुर है नो मेल पब्लिक लाइफ लो और कुने मुन हित को पब्लिक का दुख कष्ट ले दूर खुद हम सि नो मुन नाम ने दुख नि लेंगे हि मुन गे हेन मम हिंदरम तिरमिंग करे ने नो मुन पब्लिक लाइफ जो वेलकम दई हबरिन मा नो अलबे मुन गे एरिया जो अलबे रेर ने पे पब्लिक लाइफ लो अलबे रेर ने पे मेल गो विश्वास दो के युन गो नाम नाम दुम से रांगो कोम योका सिनम राम नांगो कोम योका नोम और नोक फैमिली पूरा ऑग दमसिन अल्बरेम तक लंग वक्त रहो बैक का कुम दो थैंक यू प्लीज जोरदार तालियां हो जाए श्री ताकर दोनी जी के लिए नमस्ते नुन बुप्पियम कुमरक जिदु ओ बुरा कुन में अगमा कुछ जबलक कुमा नमल दो गुप जिन मेरी चिन दुख चो बा अगर सिर्फ बुरा मेज कुन मेरी कुपे जी लोगे पूल प्लेजेट रिटायरमेंट है जी बिग तो सर्विस जितना करना है लेंथ ऑफ सर्विस गवर्नमेंट लॉजिज मैनुअल जी का और सैटिस्फैक्ट्री ले तब ये दुनी गवर्नमेंट लगा बचिन दुम्पू तो वे काम रिज का और लगा बचिन आल ने आगम है किन में आयातन में बिग किन में रिपादो और जी लोग बिग रिटायरमेंट में काल पमला ताल पेमला बिग प्रोग्राम जो एतेंजिन का दंग कोंगो बहुत ही आभारी है जी आल नाग में एक दूसरा का प्यार को डायरेक्टली बात नहीं सकता है ये एक सिम्टम है नुनु के एकता नुनु के अजी नापु के पिके ने मंग का तम दू मने दुमपुरी जो 26 कंटेंसी के स्प्रिट ऑफ वर्किंग स्प्रिट ऑफ थिंकिंग स्प्रिट ऑफ यूनिटी हम नुन का तम दू जिम कातम नम जिम नून बरकरार लाला का जिलो नूनो तबे दुनी के रिटायरमेंट तम न्यूम्ब इंजॉयमेंट का टूर में नहीं रहना है नूनो मजे नून पूरी जो तलो लीडर को कॉम दोन दे यो को कॉम दोन दे लीडर तो सौ आदमी का पास डिग्री है इंग्लिश अलजा मेन नचिंग का दो उन तो इंग्लिश कुछ तकें तो मिलना मार के पादा मगम मिलना नहीं है के तो अगर वे निये अमर तो तेजी को निये का दो नी का दुम्र का मंगाता दो लीडर का क्वालिटी क्या है लीडर मध्य नुक्त दे रुद्र नुक्त दे नूनू बुतार का दशी मेर तरे वो बाबे दुन्ने शिन में दो इतना लेंथ ऑफ सर्विस गवर्नमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लो नो सैक्रिफाइस पावलो पब्लिक लाइफ लो वो के पोटेंशियल ऑफ थिंकिंग वो मैनम चंगनम चेन्नम पान में नो अन्य ऑपरेट कार्य में नो मेर बोलो डेडिकेटली रिलाका ओ अच्छी आवला लाचिन अच्छी है इसे बेमेंद ने ओके पब्लिक लाइफ में ओक एक्सपीरियंस का कारण में दोनों अकेले ने सिद्ध दो दुबई में कम ले कबेर है ये एक लीडर के लिए भी हेडेक है दोनों ने आवत इतने रहे दुकान में ना हम आप कुकल दुबे लो मौसी भूतरे लो में सिंकु चलना दुबे रहे आगो को चल दूरे तो एक कम चिंद लीडर है नो नोक आई के कोक आई किसी काप लग दो तो कोक आई किसी काप लग दो बाबे नम नो यो लगा में दने वो नो अब न्यान्या बढ़ दक कम अब रिया इच अब तुम जिर दोने मोक एक्सपीरियंस में दने निये दरो ने होता है कनो नो बारे बे दुपुई मार दरे एक लगा बे दोमान बे मची काला का
नो लीडर रिज का बोलो गो एम डे मेदु तो गोक मेन में गो यद मेला चीन गो तू एक फैमिली गरीब दूसरा जैसा ला अतलु को तो बबे ने दम मा भी हम लबुनुक पोरी स्कूल पुर लचिन गोरे सागे तो रिग्रेला पुर पोता को तुम छे लगाई दिया मा रुदा कम छे मा ने नाम ने निक छे ने नाम दालो के निक पो नक दुना गरीब गोशी रिचा तो लितु ने नाम दालो के दीत बोलक माला चिम बोना गरीब रि तो एम रेला मुनु के फैमिली तरफ से तो क्लियर है यो जा को दा फैमिली लो कामा ओ कंगम एने फैमिली के सीनियर मेंबर हिसाब जब तक हमने लगा लास्ट लुसिन अतू पे करो नींग मेन में नींग मेन में अधिक दू तो पब्लिक के दू कुक बम काशी मा तो हम रिला अल्लाह रिला का और नम कम जो लीडरशिप लाइफ जो इजाक पब्लिक के प्रपोज नेम जी नो लीडर के मा बोल गो लीडर रिल पे मला मेला सी रिपा मारे इदा कम पब्लिक के नम प्रपोजल गो अच्छी पा बोलो जी आई आगम जाए जखने शीशम ने पब्लिक नुन लचिन अलग लारिक जिला का लीडर चिगो नी एक गो लीडर रिल पेमरे रिल पब्लिक नो चॉइस को कारे पब्लिक नो लीडर हम तो हम तू पम तोला इज बोल तू लिग नंगरे एम बोल तू लिग नंगरे रियो का जिलो के गैदरिंग ने कद नुन चिन चीतु माई आया हम करीब गो मैदने नुन ने तुरबुदाले रेल पेमरे मैदने जो तकिन तकिन मेंरे इंकुर अदगे उक्का आपुकम जिलो कुवे दोनी ने गुनु तुरबू दाले दर दर ने हम तो बोलो गो निकाम ले चिंगो के निरुम चे हिकुर जिक देगे ने मला अल्लाह इतने ला तकाम तो ने तो नून आया जिला का जिम देन गो नून नम योग जिकरुंगेरे में मा रिदा कम हापुग में ने कारण तोंती सिख दुम प्रुजो कंटेंची हम बोलो अन्ना केंगे आओ अकेंगे करीब में दो ओके नून का न्यून जागे जोए रे बेता दो आप आओ जोए रे बेता दो ओके लीडर का उनकम चिन जिलो कारगानो रूप बोलो ऐसे कौन ने रिन्यू दोन रे तोप कौन ने रिन्यू दोन रे फार्मी जिला जुके यो वो दीन है जिलो न्यूम माता मुनु खाके ने दीन लोग में अप्लाई दो रेके ने दीन लोग में अप्लाई दो हाँ दिन ने दीन जो लीडर रिदन का दिन उनचिन अल्पे लग दो जब वालो होन्यक दोन जो रिवे होकर सिर्फ नो का आपको अल्पे लग दो ट्रांसफायर इसी नो के पब्लिक के नाम पकने में से अल्पे लगे ऋतु दो बच्चे अल्पे लगे मोहम्मद मेरा दो ओके जिलो जो इतने में ओके बाबे ने चीन अन्यीगो दुम्पू पू दो ही दुम्पू पू ना मिशा पे मावे सर्विस लो रिटायरमेंट लो दूले ने अके ने न मुन्यू किन्यू के अपॉइंट ने में गरीगोल खोले ही बिकम अत्तम गोल के दिखते बिकम हुए बिकम तो कहे यो लगावे आता वो कबार रिमूर को काटप है या पर्सनली भी कबार रिमूर को काटप है अगर मैं तकिन करे अरे खाया नक्शी खादूंगी है एक किसी खादू शफारे को माले में मौके जब लीडर है रेगुलर पे मेला रिला का और कंगो जो तो बीची को योग जाबला एक्सपीरियंस को काल है मा बट लिटिल बिट लो पे वो के निकाम जीतर जो के मैं ना मन में मो जब नंगुनी ना ऐ और जब अगर ना कार्य कम चिन एक तबुई ओ का ये दक्कम लेकिन एक दूसरा को चीटिंग करेगा हमला टीम तबे दुनिया रिरुई ओ का और दोपहर मानक दे नगबरे कानों नग दे नगबरे हमला कबोरम पुंचाई तो का नून हम रिबोलो मौके का केंद्र और के जीजी गीजी देने लीडर का दुन लचिन और के बूतर का दुन लचिन जी पुको पुपे जिल रहे ओका मा कानो रुदो चास्मुस वेरी मच फॉर्मल में टिक हम नंगो का बोलो हो सियारप तो का मा इजाद तमद दम को अकन को ने एमरे मा गोन्य मा हापुम पोल पे मे को बोलो जिप तो को जोक्सी ना मारे निरु जो तते आरे तो को जोक तम काते तरे रितुई नुनु जिम आया बा मी जिला का ओके जो बिसी अगम जाब जिसिन कामा मो यो को जिल गिल नुनु डेवलपमेंट अगम जाब दबरे लिटिल बिट मन को निकान काम जो जिसा की मेन नंगलो ए ओके अले ब्रेन ने पूरे पता ने सिर दो जिलो के मो जाबिर में जाब दने तन ततर के चिन्ह मन गदन तो पोच के लूदू के करगा करा के ओके बुगुंग हे चिगे यदि कादू दु डिफरेंट कॉर्नर लोग मुकी मुकी ने निगा दम बुप्पम चिकुम दने जी रिगे दंग ने मेला तबे दिन ननु बूतुप्तमा तुबलासी रिगे दंग ने में आलन ये गाँव कुपदे लीडर रहते हैं अपना से उबर कर आएगा इजे हमारे दिन ने इज बर तुलिक लचिन जातुर जिबेर है और कई जात अब ये ने में लिबियम लूम बोल इजात के ला द्वारे बोल कक कम दान जिदादन ला
तो गरीब रिरे अल्ले बिदिन रिलाका रेगो दुगो जिम अलबिजो जिनी मोक मन में मोक अब राव लगा मैं मादन है रिदा कम बावे दिन ने चिन नून अकेन पब्लिक है आयाला उन तुरबु दाल करे हमने मैं बुश माजे में मैं किन में मद पे ओक लीडर का दिन वो पूरे नून आया मिंजिला मोक के चिन अलगों ने टाइम है आर शो मोम लीडर ने दू तलो अनगे आओ बेरे लो हमने मैं ने कार्ड बोलो नून मुर्की दो बोलो हम चिन आप कम चिन आज आप आतका ओक येर पे बोलो जगह बोलो पोखो मुल्क तमावे एम रिला अल्लाह एम रिला का जिप्रेन पुमावे का वरकर वरकर जी दालो चिन बाबे ने को वरकर उच्च जिप पुने को बोलो पुबे ने को बोलो नो कन्यी को जिप पुना क्वालिटी दूध ने मेला का ओके मा लेकिन लेरे पुने बे तो गुल्ती बिची पुदो पे वा अल बिची पुदो पे तो एक कम चाहिए ला का ओके मौको नहीं का जिम अल्ले जब जला का हम लगो मेंगरे लनु नम कुंडू ओके और कर का तम दिखते हुए इजी हुचिन अन्य हुचिन यो हुचिन काम माप का जो के नो के यदि ओ पेमिली कर का करा दूध लो तबे दुनी होल नो के तंज के ततर के तो पुक ऐसे के कर का के जो बुंगा दिगे नो के बुप्पे अब रा मैकर ने का लीडर इंजिनो जिम नुन्नो ये ये ला बिलें तक दन में अब अब बिलें तक दन में तबे दुनी लीडर मा नुनुक आओ बिलें था दो और लगा बे बुम अन्य को दुम्पु मोला कमला और कनुन मुप्पे च कुमला कमला गो में दने जय हिंद। इस गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस इंसान के महफिल में तकर दोनी सार का आशीर्वाद हो वो इंसान जेन्यून कैसे नहीं हो सकता है। धोनी सर, आपके लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आप मेहनत का दुकान है सर। सर के लिए एक जोर ताली हो जाए। वो कोकब है, अब मैं मंच पे उस शख्स को बुलाने जा रहा हूँ जो हमारे दुमपुर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के आन बान और शान है। उनका जो जलवा है सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में गूंजता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो कोको एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी है, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया कोको फेडरेशन के चेयरमैन है, और अरुणाचल प्रदेश के एक बहुत ही रिनाउंड एडवोकेट है उन एरिया के सिन मोहन बरीन। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जिसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ वो कोई और नहीं द रिनाउंड एडवोकेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और साथ ही साथ कन्वेनर ऑफ लीगल डिपार्टमेंट बीजेपी अरुणाचल प्रदेश, वन एंड ओनली एडवोकेट पुतो भुई जी। एक जोरदार तालियां हो जाए। जय धोनी बोलो और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज पहली बार हमारा धूमपुर जो के एकदम इतान को कापान का आपको मेरे को पुत कापा दो, आपको मैं पुत बो दो। तो मैंने मैं नू टाइम आज अंजो को नू कानू जगह मासी को शक्ति दोते ने आज इतना प्रोग्राम बनाया तो हमारे दुनी साहब इंट्रक्शन प्रोग्राम बनाया और 37 इयर्स सर्विस किया है। एक दिन के लिए थोड़ा आज थोड़ा पेशेंटली या बैठिए और कानू जगह मायका मैं फूकअप तलाई और ऐसे दौरे आप लोग आल दो। तो मैंने कहा चल गए उन एरिया तुल गए सिंधमोन हमारे तबेदुनी के BRS ब्लूंडियर रिटायरमेंट का और इंट्रक्शन प्रोग्राम में है और सर जो इतना सोता से अपना एजुकेशन फील जर्नी में लाइफ में और गवर्नमेंट जॉब में 1986 में आने के बाद आज अपना 37 इयर्स सर्विस करने के बाद आज यहाँ के इंट्रक्शन प्रोग्राम आने वाले और हमारे केडी टीम का केडी टीम मिशन के चेयरमैन
गमेशियर और सेक्रेटरी जनरल तन्याता जी सर और हमारे एक्स मंत्री ऑनरेबल एक्स मंत्री तकर दोनी सर और हमारे एक्स एमएलए बागेश्वर और हमारा सीनियर एडमिन ग्रेड का रिटायर्स बागेश्वर और हमारे दोस्त कोलिग्स लर्नर एडवोकेट और बीजेपी के कन्वीनर भी है स्टेट के और लोम्पक जी और हमारे लोनली आईएएस ऑफिसर्स हमारे बड़ा भाई रोनिया सर जी और हमारे बड़ा भाई सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आर डब्ल्यू डी द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल और केना भैया जी और कारगा वेलफेयर सोसाइटी के आओ का मामा श्री मामा जी नृतो और करा वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हमारे आजन न्योकुर और आबो कुबीगारा और हमारे वाइस चेयरमैन खेती मिशन के रातो दुगी जी और हमारा जिला परिषद मेंबर गृत्रेबा के आसमिन ए डी ओ हाली साहब जी है मतलब सौ आकुन गद गोक दुमपुर जो सिटीजन सी सिटीजन गद और नियम और हमें युद्ध गद और सौ लोगों नोक लगा सो दो दिन दियो अन्य को उन में तम जरे और लाइफ में वही है कि आज हमारे दुनिया सब आज से उसको कैदी को आता के हम लोग को टी बनाना पड़ेगा क्योंकि ऑफिशियली ना हमको नाम देना है नहीं तो कल ऑफिशियली कॉन्फ्यूज हो जाएगा कि कैदी कौन है तो उसका ऑफिशियली नाम है तबे दुनिया है कल ऑफिशियली ऊपर में चला जाएगा तो कॉन्फ्यूज हो जाएगा एक मेरे क्लारिफिकेशन और करेक्शन जो है कि और आज गवर्नमेंट सर्वेंट में 37 ईयर्स बैठ के अभी वो अपना और पब्लिक सर्वेंट बनाना चाहता हूँ ये बहुत खुशी की बात है एक गवर्नमेंट सर्वेंट होके 37 ईयर्स सर्व किया अभी पब्लिक सर्वेंट बनना चाहता है और डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सर्वेंट एंड पब्लिक गवर्नमेंट सर्वेंट एंड पब्लिक सर्वेंट कोई कोई कन्फ्यूज भी रहता होगा लीगल टर्म में जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है अंडर द सेंट्रल सर्विस रूल में वो आता है कि गवर्नमेंट सर्विस है जो पब्लिक जितने इलेक्टेड होता है एमएलए लोग होता है जो ये लोग होता है दिस इज पब्लिक सर्वेंट तो मतलब और नीप गवर्नमेंट सर्विस रहता मानेगा मैं मानेगा काले कुला और उसका एक थोड़ा सा लिमिटेशन है एक गवर्नमेंट सर्विस का मदद करने का एक गवर्नमेंट सर्विस का एक कॉन्फाइन में बैठता है वो कॉन्फाइन में बैठ के वो पब्लिक को सेवा इतना नहीं कर सकता है अभी वो पब्लिक को कुछ करे उल्टा पलटा करे बोले से गवर्नमेंट उसको ट्रांसफर कर फेंक देता है कुछ बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शन है उसका रेस्ट्रिक्शन के वजह से वो अपना पब्लिक को कुछ नहीं कर पाया धूमपुर जो का बासी लोग धूमपुर जो का तो उसका सोच विचार वही है कि अभी हमको यहाँ आना है पब्लिक में आके तो हमारे तरह से हमारा इनर्जेटिक और इतना तो बुरा पातू नहीं है तो वो सोच विचार का अभी जो आया कि तो वो अभी तो पब्लिक सेवा के लिए तो उसके बाद हमारा धूमपुर जो का ये हम ये अभी बोलना चाहता है और मैं धूमपुर जब इतना एक्टिवली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व में तुम नहीं किया 2014 से घुसा हमारे ये बागे साहब और रामदुरु का मैं जिला परिषद में होता ये एमएलए था अगर धूमपुर जो का आदमी लोग का जो है कि पॉलिटिक्स को ये बात करता है कि अभी भी बोलता है कि हम बीजेपी है ये नॉन बीजेपी है ये करगा है ये करा है ये तोप है ये है से ये लज्जू है बोलता है
ये गलो है, ये तगिन है, ये निशी है बोलता है। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे बीजेपी में कोई जाति भाई नहीं है, पॉलिटिक्स में कोई जाति भाई नहीं होता है, पॉलिटिक्स पार्टी अलग होता है। हेल्दी डेमोक्रेसी में इंडिया में एक मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है, एक हेल्दी डेमोक्रेसी है। आज उधर बोलते हैं कि भूतोपुर उधर में स्थित कर लीगल एडवाइजर है बीजेपी का, कन्वेनर है, ये कुबे दुनिया को क्यों साथ दे रहा है, ये एंटी पार्टी बोलते हैं। वो कौन हमको कानून सिखाएगा? आज मैं एंटी पार्टी होके हमारा दूरी साहब आज प्रोग्राम बना, आज उसका रिटायरमेंट इंट्रक्शन प्रोग्राम है, ये तो आज तक पोलिटिकल पार्टी सुना ही नहीं है। कल बीजेपी में आ सकता है, कल दूसरा जो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस में आ सकता है किसी पोलिटिकल पार्टी में, एक्सेप्ट कांग्रेस और आम आदमी को छोड़ के। इसलिए कई भी पार्टी में सुन सकता है, सिर्फ पार्टी है एक सुनना है, एक नेम है, एक क्लियरिटी आना है। लेकिन आपको देखना है कि आदमी का एक विजनरी को देखिए, एक विजनरी लीडर को देखिए कि ये घुसने के हमारे एरिया को कितना डेवलप ला सके। हमारे दुमपुर जो का कम्युनल हार्मनी को मेंटेन कर सके, हमारा कलानी बेस तुम उधर का हुआ उसको बंद कर सके। अगर लीडर है तो, अगर लीडर है तो सबके लिए, नहीं तो हमारा दुमपुर जो मैं वही कि आदमी लोग जो है कि लीडर को सुकली मारता है बनाने के बाद, जो सुकली अगर जो लीडर सुकली सुनेगा ना, वो दो टाइम से कभी एक टाइम, वो दो टाइम कभी नहीं बनेगा। जो सुकली बात सुनता है और जो सुकली बात करेंगे, आप सुकली भी मार रहे हैं कि ऐसे सुकली बोलना है कि फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ द दुमपुर, जो कि शुक्ला बाजी मार रहे हैं। लेकिन आप अपना पेट में भराने के लिए शुक्ला बाजी मत मारे है, अपना बेनिफिट के लिए शुक्ला बाजी मत मारे है। आज तो हमारा जो इंट्रक्शन प्रोग्राम है यहाँ पे, तो इधर पब्लिक का इतना बासनबाजी का नहीं चलेगा, नहीं है मेरा, तो अब चलेगा दुमपुर जो में जब उसका मास डिक्लेरेशन होगा, केंद्र का डिक्लेरेशन होगा, उसमें मैं दुमपुर जो में भाषण दूंगा। इसलिए और शोक गुद्दे से अजो को लोम्पक में महंगे बिकलो और पार्टीबाजी वो बीजेपी हो बीजेपी, तो ये बात को यहाँ में और आप लोग बेंच भी दे दो हमारे भाषण को। आज हमारे केंद्रित किसी का पोलिटिकल पार्टी में नहीं सुना है, लेकिन हम लोग सुनेगा, जल्दी सुनेगा, जल्दी सुनेगा हम लोग पार्टी में, क्यों कौन सा पार्टी में उतारना है, हम लोग सुनेगा। तो मैं जैसे हम आपको मैच कमा और आई ऑन द बिहाफ ऑफ माय फैमिली मेंबर्स एंड माय पर्सनली हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेट टू इंजीनियर कुबे डुनी जी फॉर योर जर्नी एंड इज योर फैमिली मेंबर्स, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेट, थैंक यू। इसके बाद में लेडीज एंड जेंटलमैन, बिना टाइम गवाए अब मैं मंच पे उस शख्स को बुलाने जा रहा हूँ जिनके बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि वो किसी भी चीज़ में कम नहीं है। इफ़ यू टॉक अबाउट हैंडसम, ही इज़ वेरी हैंडसम। इफ़ यू टॉक अबाउट एनर्जेटिक, यस ही इज़ एन एनर्जेटिक लीडर, ही इज़ अ डायनामिक पर्सन। वो हमारे दुमपुर जो के फॉर्मर एमएलए है, हमारे दुमपुर जो के एमएलए भी रह चुके हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जिसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ वो कोई और नहीं, वो है आपका हमारा अपना श्री पंगा बागे जी, फॉर्मर एमएलए दुमपुर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी। जोरदार तालियां हो जाए। चेक, थैंक यू मुझे एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सबसे पहले हमारे जितना भी दुमपुर जो के वासी आज यहाँ आए हुए हैं, आप सबको पंगा बागे का दिल से, तहे दिल से आप सबको नमस्कार। दूसरा, आज हमारे बीच जो मुख्य और स्पेशल इन्वाइटीज, आप बोलो या स्पेशल गेस्ट बोलो, मिस्टर कुबे दुनी, उनके
रिटायरमेंट के प्रोग्राम पे आए हुए जितने भी ये फ्रंट लाइन में बैठे हुए, हम सब का नाम नहीं ले सकता लेकिन एक दो सीनियर का नाम लेंगे, स्पेशली हमारे बीच सबसे सीनियर्स मेरा हाथों कुबे कुबे दारा जी यहाँ बैठे हुए, उनको मेरे प्रणाम, और मेरा कृत्य फॉर्मर मिनिस्टर कृत्य तकार दुनी यहाँ है, उनको मेरे नमस्कार, और मेरा आतो रिटायर एडीसी योम्पा बागे जी यहाँ बैठा है, उनको नमस्कार, और हमारे बीच हमारे सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट रहा आईएएस श्री रेपो रोन्या जी, आपको मेरा तहे दिल से नमस्कार, और हमारे बीच सुपरिटेंडेंट इंजीनियर लोंगा केना जी बैठा है, उनको नमस्कार, और जितने भी क्लान के यहाँ बैठे हुए दुमप्रुजो गुसार गृत रूपा और बारिज सर्कल के जितने भी लोग आए हुए, और हमारे प्यारे नौजवान और नौजवानी, आप सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार। दूसरा इंफॉर्मेशन में जस्ट बताना चाहता हूँ, आज के इस प्रोग्राम में स्पेशली एचएबएल से काफ़ी कम लोग आए हुए हैं, आप लोग इसका गलत फहमी मत रहना, मैं इसको क्लियरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पर हमारे या फॉर्चुनेटली हमारे हेचे फैमिली में स्पेशली हेचे का जो प्रेसिडेंट है मरवा नालो हेचे, उनका बेटा का एक बिहा का एक प्रोग्राम है, मैरिज प्रोग्राम, वो दो के लड़की ले रहे हैं, इसलिए इतना भी हेचे कैपिटल ऐसे रीजन में बैठे हुए, वो सब पासीघाट कल ही निकल गया, और प्रेसिडेंट ने हम फैमिली बैठ के डिस्कस किया कि सब वहाँ जाने से भी बीइंग ए लीडर और हमारे सीनियर के बिहाव में योम्पा बागे और पांगा बागे को हेचो को रिप्रेजेंट यहाँ भेजा गया है, इसलिए हम लोग यहाँ सब आया है, इसलिए आप इसको गलत फहमी मत मानना कि हम सब हेचे फैमिली कुबेदनी के साथ में करा है। और मेरा शुरुआत में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कृत्य कुबेदनी का जो लाइफ है इसका बारे में हमारे फॉर्मर जनरल मैनेजर नेपको के तन्या तेजी साहब ने इन डिटेल में साइटेशन बता दिया है, और उनके साथ जितना भी आप सबको एक मनोबल बढ़ाने का या आपको पब्लिक मैसेजिंग देने का या जो भी एडवाइस दिया है, जैसे नरतो रिवाजी ने जो बात रखी है और लोंगा केना जी ने जो बात रखा है, कृत्य तकार दुनी ने जो बात रखा है, लोम्पा पक्षो ने जो बात रखा है, हमारे एडवोकेट पुटो जी ने जो बात रखा है, उन सबको मैं सहमत करते हुए मैं भी एंटायर हेचे फैमिली की ओर से कृत्य कुबे दुनी का जो सक्सेसफुल सर्विस लिंक 37 ईयर्स ऑफ सर्विस लिंक जिन्होंने उन्होंने कंप्लीट किया, उनके लिए मैं उन्हें बहुत जोर से कंग्रेचुलेशन देता हूँ, बधाई देता हूँ, और आने वाला समय में एंटायर कुबे दुनी का फैमिली और कुबे दुनी का जिंदगी जिस रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आगे सेकेंड एनिंग ऑफ द लाइफ शुरू करने जा रहे, उसके लिए एंटायर हेचे फैमिली की तरफ से मैं आपको बेस्ट विशेष देता हूँ, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और एक्चुअली कित कुबे दुनी को मैं पता नहीं था कि एक शायरी है, वो काफ़ी शायर भी बोलता है, उस दिन मुझे फ़ोन करके बोला यांगा हम एक बात बोलना चाहता है, तो मैं फ़ोन उठा के बोला कित क्या बोलना चाहता है, वो बोला कि मेरा दिल में सोच है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ, और मुझे बोला कि आप किसी को शेयर मत करो, ऐसे बोला, लेकिन मैं अपना दिल में नहीं रख सकते इसलिए आप सबको शेयर करना चाहता हूँ कि कृत को भी ऐसे बोला है, हाँ सुनो, हाँ बोला है कि मेरा जो भी मूवमेंट है उसको लेके ओपोनेंट का काफ़ी सोच विचार है, अलग अलग तरह का सोच विचार है, तो उसके लिए एक उनका जवाब है, बोला है आप ध्यान से सुनिए, भले मैं शायद अच्छा बोलो तब भी वाह वाह बोलना और बुरा बोले तब भी वाह वाह बोलना, क्योंकि मैं कभी शायर नहीं था पर कृत कुबे के कारण से मैं आज शायर बन रहा हूँ। उन्होंने बोला लहरें शांत देख के, लहरों को शांत देख के ये समझना बैठना समुंदर में जवानी नहीं है, लहरें को शांत देख के ये ना समझना समुंदर में जवानी नहीं है, जब भी कुबे दुनी आएगा तूफान बन के आएगा। तो एक बार आपसे सुनना था, जब भी कुबे दुनी आएंगे आपसे बोलने के तूफान बन के आएगा, जब भी कुबे दुनी आएंगे, जब भी कुबे दुनी आएंगे,
थैंक यू, ये उनका कहना था, मैं आज बता देख सॉरी। और दूसरा, बीइंग ए पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिक्स से तो मैं टच करके बोलना पड़ता है। देखो, मैं भी धूमपुरजे में विधायक था 5 साल के लिए, और आज भी धूमपुरजे में विधायक है मेरे हाथों रोदे बोझी। तो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि ये लीडर 5 साल में क्यों बदलना है। मैं भी चाहता हूँ कि नहीं बदलना चाहिए, जो भी लीडर है उन्हें 10 साल का मौका दिया जाना चाहिए, ये मैं भी सोचता हूँ। फिर भी ये जो लीडर का फोर्स है, ये जो MLA का फोर्स है, ये जनता का हिसाब से ही चलता है। जनता ही आंकड़ा देता है, जनता ही मार्किंग करता है कि आप कंटिन्यूशन रहना है कि नहीं रहना है। इसमें बहुत से इंडेक्स है। तो विंग है आज आने वाला 2024 के लिए, मैं तो लीडर नहीं है, मैं भी आपके तरह एक आम बूतर ही बन गया है। पर मैं भी जब किसी को सपोर्ट करने जा रहा है तो मैं इंडेक्स देखता हूँ, इंडेक्स जरूर देख के सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह से आप धूमपुरजो का एज ए वेल विशर्स या धूमपुरजो का कंसर्न सिटी के हिसाब से आप देखा जाने से, अगर हमें धूमपुरजो का डेवलपमेंट को देखना है तो कुछ 4-5 इंडेक्स आप लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एडमिनिस्ट्रेटिव इंडेक्स में देखिए तो पिछले 2014 में जब मैं लीडर था, अगर मैं गलत नहीं था तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंडेक्स में कि हमारा धूमपुरजो आज आगे बढ़ा है कि पीछे बढ़ा है, आप एक आंकड़ा माप सकता है। जब पांगाबागी उसमें MLA था 2014-19, गुसार सर्कल में CO का ऑफिस ऑपरेशनल था, वहाँ CO का ऑफिस इस्टेब्लिश होता था। लेकिन 19-24 में आप देखेगा वहाँ में आज CO का ऑफिस वहाँ डिफंक पड़ा हुआ है, वहाँ से शिफ्ट होके धूमपुरजे में आया है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में काम नहीं चल रही है, आप दिखा आप पता चल सकते हैं। दूसरे हेल्थ सेक्टर में आप देखिए 14-19 में हमारा वहाँ धूमपुरजो में एम्बुलेंस था, मारवा में एम्बुलेंस था और बारेरिज में एम्बुलेंस था, लेकिन 19-24 में अनफॉर्चुनेटली वहाँ एम्बुलेंस नहीं है, यानी कि हेल्थ सेक्टर में काम नहीं बढ़ रहा है, ये हम देख सकते हैं। एडुकेशन सेक्टर में आप देखिए, एडुकेशन सेक्टर में जब 19-24 में एडुकेशन मिनिस्टर धूमपुर में आके मारवा में आके मारवा को हायर सेकेंडरी में अपग्रेड किया जाता है, लेकिन आज का समय में डायरेक्टर एलिमेंट्री एडुकेशन से ये लेता रहता है कि मारवा स्कूल और बारी स्कूल को उसको डिमोशन करके सेकेंडरी और मिडिल स्कूल में लाएगा के लेता आता है, यानी कि एडुकेशन सेक्टर में भी हमारे क्षेत्र आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये कुछ इंडेक्स है। और आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी 2014 से लेकर 19 में मुझे याद है कि बारिश से बात चलता था, गुसार सर्कल से सुमो चलता था दापो के लिए, लेकिन 19-24 में ये आप दिखाई नहीं दिया। तो उस हिसाब से मैं भी सोचता है कि हाँ, लीडरशिप चेंज होना चाहिए। मैं किसी इंडिविजुअल से कोई मुझसे कोई शिकवा नहीं है, मेरे कोई नफरत नहीं है, कोई मेरे इंडिविजुअल इश्यूज नहीं है, लेकिन एरिया के इंटरेस्ट में देखने से हाँ बदलना चाहिए। तो जब बदलेगा सोचेगा तो फिर हमारा फिर ऑप्शन आते हैं। मैं खुद को पहला ऑप्शन में देखा कि आने वाला समय में चलो 2024 में मैं खुद वो पब्लिक के सामने पेश करता हूँ और 2024 में मैं खुद एक दावेदार बनता हूँ। जब मैं अपना को दावेदार के लिए पेश किया, उसमें काफ़ी जब अगर 1-to-1 फाइट होता है तो मुझे लगा कि मेरा फील्ड से बेहतर बन सकता है, लेकिन जब मल्टी कैंडिडेट आने लगा तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अगर मैं ज़बरदस्त करेगा तो मेरा जितना भी वेल विशर्स है उनको मैं जाके लेके डूब जाएंगे या फिर हम सक्सेस नहीं होंगे। तो मेरा कारण से मेरा जितना भी वेल विशर्स है वो आने वाला 5 साल में वो क्यों तकलीफ हो जाए, ये मैंने सोचा। इसलिए जितने भी वहाँ का पब्लिक के जो सीनियर्स है उनका एडवाइस था कि बागेश साहब, आप आने वाला 24-29 में हो सकने से आप एक सेक्रीफाइस करके जो जनता रिकमेंड किया कैंडिडेट को आप सपोर्ट करने से ती के सोचा। तो जब मैं कैंडिडेट का नाम मेरा सामने आया, वो नाम था इंजीनियर कुबे धुनी जी। जब कुबे धुनी का नाम आया तभी मैं सहमत आसान से नहीं हुआ। मैं सोचा कि इस आदमी को मैं क्यों सपोर्ट करूं, क्या सचमुच इसमें काबिलियत है क्या मैं वो करेक्टर दूना। जब मैं दूना देखा तो कुबे धुनी जो अभी आप सब उनका जो चीफ इंजीनियर का
पेस को आप देखा है, लेकिन जब आप उनका हिस्ट्री को देखेगा, इतिहास को देखेगा, वो चीफ इंजीनियर से एसी में आप वापस चला जाओ, एसी से एई में चला जाओ, एई से आप उनके कॉलेज लाइफ को चला जाओ, फिर स्कूल लाइफ चला जाओ, फिर प्राइमरी लाइफ जाओ, देखा जाने से वो एक गाँव से बिलोंग करते हैं। वो तोदे जैसे एक बस्ती से, उस समय जब ट्रांसपोर्टेशन ठीक नहीं था, उस समय जब पेरेंट्स अपना बच्चा को एडुकेशन के लिए इनकरेज नहीं करता था, उस समय जब बच्चा पढ़ाई से दूर भाग रहा था, उस समय जब कैरियर काउंसलिंग नहीं होता था, उस समय ऐसा एक शख्स निकला जो गांव की बस्ती के एक गरीब परिवार से निकलते हुए उस मुकाम तक पहुँचे कि एंटायर धूमपुरजे में ही इज द सेकेंड चीफ इंजीनियर इन एंटायर धूमपुरजे कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ऐसा एक शख्स यानी कि इनका मेहनत करने का जज्बा को वहाँ देख सकते हैं हम, और जितने भी युवा है उनके लाइफ से इंस्पिरेशन मिल सकता है, तो मुझे लगा कि हाँ ये आदमी से थोड़ा सही हो सकता है। फिर मैंने देखा, हो सकता है चीफ इंजीनियर हो के काफ़ी पैसा का लालच होता होगा, सब तो बोलते इंजीनियर लालच होता है, लालच होता है। तो जब देखा तो उनका सर्विस लाइफ से लेके चीफ इंजीनियर लाइफ तक लगभग 37 ईयर सर्विस लेंथ उन्होंने किया। 37 ईयर्स ऑफ सर्विस लेंथ में बहुत से ऑफिसर आप देखा होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मोर पर्टिकुलरली इंजीनियर डिपार्टमेंट में 5 साल में सस्पेंड हो रहा है, वो करप्शन किया है, इलीगल अपॉइंटमेंट किया है, वो टेंडर में गफला किया है, 10 साल में सस्पेंड हो जाता है, 15 साल में टर्मिनेशन हो जाता है। लेकिन मेरा कृत कुबे का इतना खूबिया है कि वो 37 ईयर्स ऑफ सर्विस लेंथ में आज तक एक शो कॉज भी नहीं मिला और एक सस्पेंशन भी नहीं हुआ, एक क्लीन निकला। तो तब मुझे लगा कि ये एक क्लीन लीडर बन सकता है, मैंने देखा। फिर मैं सोचा चलो एक क्लीन लीडर बन सकता है, लेकिन क्या ये काम कर सकेगा? जब मैंने देखा कि वो एक चीफ इंजीनियर रहा, जितना अभी अरुणाचल में बड़ा बड़ा ब्रिज होता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स होते हैं, बड़ा बड़ा सड़क होता है, बड़ा बड़ा डैम्स होता है, ये सब तो इंजीनियर ही बनाते हैं। और उनके अंदर में लगभग 27 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काम करते हैं, 4-5 ऐसे काम करते हैं, तो धूमपुर जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिस है। तो जो 27-30 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के जोन को जो चला सकते हैं, 3-4 ऐसे का जोन को चला सकते हैं, तो धूमपुर जो एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पोस्ट को क्यों नहीं चला पाएगा? मैं उसके ऊपर विश्वास करने शुरू किया, हाँ ये चला पाएगा। तब जाके देखा कि ये पॉलिटिकली एक्सपर्ट है क्या, पॉलिटिकली एक्सपीरियंस है क्या, उनको तो कभी देखा नहीं। लेकिन जब गौर से देखा, ये तो एक्स मिनिस्टर कितना तकार धोनी का फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि इसको पॉलिटिकली पहले से ही एक्सपोजर है, पॉलिटिकली एक्सपीरियंस है। तब मैंने उन्हें विश्वास किया, यस ये एक पॉलिटिशियन बन सकता है। तब जाके मैं सोचा क्या ये पॉलिटिशियन बनने के बाद भी ये क्या डेवलपमेंट कर पाएगा, क्या ये धूमपू को समझेगा, क्या ये बारिश को समझेगा, ये क्या लबरी लगे जिसे का तकलीफ को समझेगा, क्या ये देवमदरा एरिया को जानेगा? तो बाद में पता चला है कि ये जो अपर सुबनसिरी में एज एन एसी 4 साल रह चुका है, और धूमपुर जो जितना उनका उम्र है, आज वो 60 ईयर्स पहुंच रहा है, तो जितना उनका उम्र है इतना धूमपुर जो उसके लिए बुढ़ापा है, यानी कि धूमपुर जो उसके लिए नया सब्जेक्ट नहीं है, नया सवाल नहीं है, धूमपुर जो जितना उसका उम्र है धूमपुर जो को इतना पुरना से जानता है, यानी कि धूमपुर जो में कहाँ ब्रिज बनना है, कहाँ सड़क बनना है, कहाँ बिल्डिंग बनाना है, ये वो पहले से जान चुका है। इसलिए मैंने विश्वास किया कि यस ही कैन बी ए राइट लीडर। तो उस हिसाब से मैंने अपना लीडरशिप को सेक्रीफाइस करते हुए कृत कुबे को मैंने सपोर्ट किया। मुझे विश्वास है यहाँ जितना भी लोग आया है आप भी ये इंडेक्स जरूर आपने हिसाब किया होगा। ऐसा इंडेक्स लेके लीडर को लॉजिक लाके आप सपोर्ट करना चाहिए, और उस लॉजिक में देखा जाने से आज हो सकता है धूमपुर जो में काफ़ी लोग लीडर बनेगा सोचता होगा, एक्सपीरियंस वाला हो सकता है, न्यू कमर्स हो सकता है, लेकिन मेरा इंडेक्स में हम कृत कुबे को 100 से 99 पॉइंट मार्क देता है। तो इसलिए मैं कृत कुबे को सपोर्ट कर रहा है, और मैं कृत कुबे को वही एडवाइस देना चाहता है कि ये इंडेक्स को आप प्लीज़ फेल होने मत दीजिए। पब्लिक के सामने आज जो मैंने इंडेक्स रखा है और मैं जो मार्किंग दिया है, आने वाला 5 साल में आप जरूर इसको निभाने की कोशिश कीजिए। मुझे विश्वास है कि आपके समय में आप धूमपुर जो में सबसे अच्छा नेता बनकर उभरेगा, और अगर आप 5 साल एक अच्छा नेता बनकर उभरेगा तो पब्लिक रिकमेंडेशन में आपको आगे बढ़ने का अगर आपको रिकमेंडेशन देगा तो पंगा बागे हमेशा आपका पीछे रहेगा, आपको साथ देगा, ये मेरा वादा है।
और इसलिए जस्ट किटकुवे का बारे में बताएं और शायद आप सब भी एज ए इंटेलेक्चुअल सिटीजन उस हिसाब से वोटिंग करना चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ किटकुवे ने जो शायरी बोला है वो गलत नहीं था। ओके तो यहाँ बातों करते करते काफ़ी युवा लोग हैं और काफ़ी औरतें भी हैं और ये सब जाके बुटार से और बुटार के मन में जो आता है वो मैं थोड़ा सा एक आपको हाईलाइट करना चाहता है। एक बुतार के लिए ओके, मैं खुद भी एक बुतार होते हुए एक अच्छा बुतार क्या सोचते हैं, अच्छा नेता कैसे चुनना है, कौन अच्छा नेता होना है। एक शायरी याद आ गया, मैं बोलने की कोशिश करेगा, अच्छा लगने से वाह वाह बोलना, बुरा लगने से भी वाह वाह बोलना। दोस्तों नेता ऐसा चुनो, दोस्तों नेता ऐसा चुनो जो हर मंच में जाके बोल सके, जो हर मंच में जाके बोल सके, जो हर मंच में जाके बोल सके। नहीं ये सच आवाज नहीं आ रहा है। हर मंच में जो बोल सके, यस आगे वो हर मंच में जाके बोल सके। तो आगे मैं बोलना चाहता पर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि आगे बहुत बुराई है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि आज मेरा एडवोकेट पुटो साहब ने जो बोला है, टीम कुबे दुनी या टीम ताबे दुनी, इसमें कोई डुमप्रुजो में जितने भी कम्युनिटी है, जितने भी क्लान है, जितने भी रिलीजन्स है, उन्हें हम एक परिवार मानते हैं। ओके उसे हम एक परिवार मानते हैं, इसलिए कुबे दुनी का जो थीम रखा है वो है वन डुमप्रुजो वन वॉइस, यानी कि हम जितने भी क्लान है, जितने भी रिलीजन्स है, जितने भी वहाँ ट्राइब्स है, उन सब के लिए कुबे दुनी का थीम एक आवाज़ बनेगा। ये इसका मीनिंग ये है। बहुत लोग ये नारे लगाते हैं पर नारे का डिटेल या उनका एक्सप्लेनेशन को शायद नहीं समझ पाते, अगर कोई पूछे तो आप यही आवाज़ देना चाहिए। इसलिए मैं सब आप सबको एक बार आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर मैं वन डुमप्रुजो से आप वन वॉइस बोलिए, ओके अब अपना एनर्जी के साथ वन डुमप्रुजो वन डुमप्रुजो वन डुमप्रुजो। इन सब शब्द के साथ मैं वन सेकेंड यहाँ की जितनी भी ऑर्गेनाइजिंग टीम है उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सब जो भी आया आप सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और खुद कुबे दुनी का सेकेंड इनिंग लाइफ के लिए मेरा तरफ से हम बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ विद दिस वर्ड, जय डुमप्रुजो जय हिंद। थैंक यू। बागेश सर को हम लोग जानता था कि बहुत अच्छा लीडर है ये तो जानता था, लेकिन बहुत अच्छा शायर है ये तो नहीं जानता था। सर आप बहुत अच्छा शायर भी है, वाह वाह क्या बात है सर। इलेक्शन आक बोलो बीरी तन गद सिगरेट को जाते तो रोम तन गद ब्याह तन जाते तो वो सब हम लोग नहीं करना है। समाता न्यायंक मन नम जिलो को तुमसे मनम हम अति सेंस लक हनम गरीब अच्छा लीडर को हम लोग खुद पहचानना है एंड देन वी हैव टू स्टॉप द मनी कल्चर। हमें सही लीडर को चुनना है और सही लीडर के नेटवर्क में हमें आगे जाना है। जैसे उनका बागे सर अभी कितना सुंदर से एलाबोरेट किया, गांव से पला भरा, गांव से निकल के गवर्नमेंट सर्वेंट बन के पब्लिक को सेवा करना, पब्लिक को सेवा करते करते इस मुकाम तक पहुंचना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये एक कोशिश है समाज को रिफॉर्म करने का और कोशिश करने वालों की कभी। अमिताभ बच्चन का अब सूर्यवंश राय ने कहा है कि लहरों की डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चीती जब दाना लेके चढ़ती है तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नाक हरती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये एक कोशिश है हमारे सोसाइटी को हमारे समाज को रिफॉर्म करने का और आप सब इस रिफॉर्मेशन का एक हिस्सा है।
सो हमारा प्रोग्राम अब ख़त्म होने ही वाला है। हाँ, आपने अपने वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट को रखा, अब वो वक्त है जब हमें उस शख्स से सुनना है जिनके लिए आज का ये महफिल तैयार हुआ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहूँगा कि उस शख्स को जब मैं यहाँ स्टेज में बुलाऊँगा तो आप लोग ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा, ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। आप सभी के जोरदार तालियों के साथ मैं मंच पे आमंत्रित करना चाह रहा हूं इंजीनियर तबे धोनी जी, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जोरदार तालियां हो जाए। मिलियर नमस्कार जी जा गुड इवनिंग टाइप में हाले दुको गो आगम सिंह छोट मेरे मिलियर सिंह कनो तीन दोन लपे जी लोग दो कम जाओ जम बुनम सेलिब्रेशन आई नो रिटायरमेंट काम रिसेप्शन मास रिसेप्शन ओके रिटायरमेंट इंटरेक्शन प्रोग्राम लगा बे जी लोग जम बेला कमिटी आई सी आर इटानगर आई सी आर कमिटी चेयरमैन राकम दोगी जी सेक्रेटरी नाकेक बागे जी ओके आई सी आर यूथ टीम मिलिए मेम्बरम्स ओके जिलो के डी मिशन एग्जैक्टली नहीं था जा प्रोग्राम जा काम है हमला सिंह के डी मिशन लगाब आई नो गो मैंने मैं नाम लगाब के डी मिशन का चेयरमैन तादू गामे जी रिटायर्ड डायरेक्टर सेक्रेटरी इंजीनियर तैया ताजी जी रिटायर्ड नेपको जनरल मैनेजर शिप इंजीनियर नेपको लोक के वोके जनरल सेक्रेटरी ओके जिलो उन जो हाकुम दार वोके सीनियर वो कोकोई हम दो किंतु ने वो आओ रिया दू कॉमी लोग के कोकोई हम दो ने उन रेस्पेक्टेड ऑनरेबल एक्स मिनिस्टर टकर दुनी जी ओके उन्होंने पांगा बागे जी ऑनरेबल एक्स एम एल ए दुमपुरी जल ओके 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 जी मागो निशन कंटेस्टिंग एक्सपायरिंग कैंडिडेट हम दो बीजेपी लोग मोस्ट सीनियर मोस्ट हम तो दुमपुरी जो न्यू मैं स्टेट लोग के सीनियर मोस्ट हम दो ओके मागो लोंगपाक जी एडवोकेट लोंगपाक जी ओके ओके सीनियर एकदम उनके सीनियर लोग के रिटायर्ड एडीसी तयम बागी जी ओके आदि दूल लोग के सीनियर के कॉलेज लोग के इनोतार गो के नाम आदि दूल लोग के डूबम ने गो के बाबे का दीजी गो के सीनियर आदि दूल लोग के ओके गो तोदे लोग चिन सीनियर मोस्ट उनके कोबे गारा जी ओके उनके एडी निगम टाका गाली जी ओके के डी मिशन का वाइस चेयरमैन रातो दुगी जी ओके बोर्ड निरिन जी ओके ओके मैडम दुनी एक्स मिनिस्टर मैडम दुनी ओके एडवोकेट ओके एडवोकेट पुतबुई जी ओके उनके आपस में से लेकर एकदम लक्की उनके एकदम रेयरेस्ट ऑफिसर सीनियर मोस्ट ऑफिसर आईएएस लोड पाला उनके रेपोरोनिया जी ओके उनके सीनियर ऑफिसर उनके इंजीनियर लोंगा केना जी उनके कारगा सोसाइटी लोग के ओके सीनियर सिटीजन उनके नाटो रिबा जी ओके रूमी केना जी ओके मजे दिखवाक जी ओके डॉक्टर मेम्बम ओके कुकी लोग के मैडम का दे मिल मिले कोला कुम किला कुमा मिल मिले हम नुन्नम गो ओके मीडिया फ्रेंड्स ओके आर्टिस्ट सिंगर्स ओके मिले हम गो नुन्नम थैंक यू जितने वेलकम जितने नुनो जिलो आया ला इजा कनोती नेम सुने पाक तोला आई मो मामा पाक तोला गो जिलो रिसेप्शन मनम लगाबे गो के जो के रिसेप्शन ओके इंटरेक्शन प्रोग्राम जो हाई नेम लगाबे गो गो के फैमिली तरफ लोग के थैंक यू जी दोने नुनु कोजने यो आई नो योर डॉट कॉम जी लोग तो आलो नु मो मैम एफेक्ट तो आरु दो नुनु योर डॉट कॉम को योर डॉट मैट मा डॉट कॉम अन्यो को असिनो लोग
I know Dr. In Rula Kang or request done or entertain program is in Kadu Jimnun Dio.com Castle in Toka. Emrin Ma Dologa de Millem Nunam Kunduna Ngoke Engineer Tanyata Jiji, Budugamiji, Munungoke, Live Stream, Mengeva, Kese Kese Kerke Wahe. Emnasin Ngong Nuga, Trap Location Mendone. Ngo 1969 loke dula school tolo school am churu to minye kenye ABM la emre la jinmar nursery 1-2 la menam sin etna teklips ngo ka tode to ke dula school tolo 5 km ngo ambin ngi bagre la ambin purila purila re to sin class AB ok class 5 loke 7 years dula school tolo purila rato hijanu no recordation kat laka ek din ko singo ke absent kama hijaj mapa bolo mapare emrela bahut mehnat kiya hai emrela ngok manme class AB local ne jan nursery amdo AB lo class 5 lo me to bahut mane recent sen ma ajara ko sen lapchen ma ekne omoyam gormine ulta be kus madad karna chahta उल्टा वाले 9-10 पास 12 पास को बोलो स्टेपेन जिला यो जिला इसको थोड़ा रेटिंग करना बहुत जरूरत है क्योंकि असली समय में मदद समय में मिलता नहीं है जब 10-12 पास को बोलो तो आई हजरा रिग्रेला आई के स्कूल में चिन आना बपारे मारे मिला रहे इवन इन वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका यो मोकल तो क्लास 10-12 पास को बोलो यद्य नीति का माहौत का इवन बिल क्लिंटन मनोगे एक्स प्रेसिडेंट अमेरिका का आओ तो अपना हजरा करके अपना होटल में काम करके पढ़ाई लिखा करता था एक गरीब है उन्होंने जिम उन्होंने गवर्नमेंट से अभी तो रिटायर्ड ला को टाइम मिलेगा जो भी पॉलिटिशियन गवर्नमेंट चला दो दे स्पेशली एजुकेशन मिनिस्टर एम सिंह यो नेचर लेटेस्ट प्रोग्राम दो दे रिक्वेस्ट करेगा इसको जैसे भी उन्होंने रेटिंग करना बहुत जरूरत है असली नीत समय लो तुम बोपे ना आओ तो यो जिन दपामा को मोलो मन के फैसिलिटी पामा करे 10-12 अलग भाई अजरा रुदो मोय पा करे इसको रेटिंग करना बहुत जरूरत है हम डेप्थ में एक बार जैसे भी नुनु पब्लिक लाइफ में आया तो उसको जैसे भी इसको देखने का मैंने रिक्वेस्ट करेगा रिव्यू करने के लिए जो भी कंसर्न अथॉरिटी को जैसे भी रिव्यू करने के लिए वो रिक्वेस्ट करेगा और ओके 5 लॉक के लाले ला 10 लॉ दापुरजो स्कूल लो ओपुरी तो 10 लॉक के 12 लॉ 0 लॉ पास तो ओके कॉलेज लो इन ला इंजीनियरिंग हम आवरा कोलकाता को से रिलेन तो ओ रिलेन हमें रिलेन लाइक ला 1986 लो नौकरी हम पाला होको मो यो तो नौकरी माने नौक इंटरव्यू रिटेन एग्जाम यो कुछ काम है नो डिग्री पाना माने चाच चाच अपॉइंटमेंट होता था उन्हों नौको मो एमसी उन्हों एने अपॉइंटमेंट लेटर नाम वाला आजिल दो तो एक्स ऐसे समय था क्योंकि होको मो यो उन इंजीनियर डॉक्टर एक काम है एम रिला अभी उधर से लेकर के डॉक्टर इंजीनियर रिला वृत्तला नौकरी रिला जिलो 37 इयर्स लो वो एक माने ए से लेकर के सिपी नाटक पहुंचा है ओ तो दुनिपलो के निगे मेहनत लो के निगे दुनिपलो आया लो के रितो एम रिन में एक किसले हुआ उसका रीजन भी यह है मिनी कन्य फिर से हुए वापस हो तो देव बोलते निर्दोला स्कूल आ तो आकर तो कुने ओ मिनी कन्य उनके स्कूल नाम है जब गवर्नमेंट क्वार्टर बिल्डिंग चिल्डिंग में मुझे दोकला है क्या काम है नाम पम नी का दिखे आया लोग के गांव का दिखे सेल्फ हेल्प विशेष बे नाम में कचाने में मतला मुतो ओके मिनी कन्य घमायो गांव का दे उन्हें स्कूल लो ये ओमी हमने काजू काजू हम स्कूल इंगला इंटो एमरिन में गोंगी के लेट इरेरवी गांबुरा ये न्याक गारा गांबुरा लेट गांबुरा ओके ओके न्यूलम गा में तो जतरा ओके इजा वो गामे साहब का अब तुके गामे हिज्जा तो उस पार्टी का हिज्जा छिप ओके ये जंगे दुनी दो दो उसको मुनु का कारण से और वो तीसर का दिग्गज कारण से वो जो भी आज इस पोजीशन में आया है और इतना तो लाइफ आगे बढ़ा है ओके वो जो भी दालोती खाने को मिला है उसका उन लोग का कारण से वो हुआ है वो पुष्टि में जा बैठ करके गांव बुरा ही होता था ज़्यादा ज़्यादा एक्स अंचल ग्राम मेंबर में होता था तो आई सल्यूट दोज ग्रेट सोल्स वो मुन्नम कुमदु मुन्नम आत्मा जानतीला का वो मुन्नम सिलुट करता हूँ ओके एमरिला वो
tapi do sini jang ngok esin kenasa mempa ke ba pe kelo school go am lango society un pom gelar itu obe ngo tu pe dem homes munu go un nam ngok jinga gam ga de dulur me ga de kese poraya etna te clip me oker ka ngomre usko mane jas bodla mane pe back to society usko ngo mun nam repe nam lagabe ngo kelo school को चलाया था अभी मोर देन 10-15 इयर्स हो गया वो क्या अभी या लोग के जो बुजुर्ग वो क्या प्रिंसिपल है दूध पे वो अभी 10-15 इयर्स हो गया वो अभी एक पैसा भी नहीं लेता है और जस्ट वो क्या जो भी ये है हमको जस्ट या बुजुर्ग के लोग बुजुर्ग जी इधर है होगा नहीं भी प्रमाण साथ में है जस्ट साल में जस्ट 25,000 टोकन ऑफ पूछे जा मोगरे लो ऐसे मेंटेनेंस लो एक महीना खत्म होता है ऐसे करके वो उसको उन माने ग्रेट आत्मा माने मुन्ने हमने ओमेस पेन हम लगा बहुत माने मुनु का आत्मा मुनु का हमने रिपे बैक नम लगा बे वो स्कूल को अभी भी ऐसा है वो लेते ही नहीं है ओ उसको नहीं तो अबर बन जो निमा हो सी मैंने लोग अबर बन जो सी नौ बासी मुर्को हमने जो इतना और जो उन्हें नहीं बोलो बारह साल लोग पाते पे लेकिन उन लोग का जो ग्रेट आत्मा मुनु लीडर्स टीचर्स ओके उन्हें गांबुरास सोशल वर्कर मुन्ने मरी पे पेन हम लगा पे वो इजा स्कूल टाइम अभी भी मने वो मुर्को इन लामा है मने दैट इज माय इजा अपना भी एक शांति मिलता है ओके इजा तो लोग के ओमे प्रोडक्ट है अभी कोलेस्ट्रॉल भी पहुंच गया एमरन मैम ये कल क्या सिचुएशन हो करके क्या होगा वो पता नहीं है अभी तक मैं अपना वो चरेते मेरा पे बैक टू दिस सोसाइटी एमरेला 10-12 में पास तो ला इतना वर्ष तो पहले बार आया है चामुए 1981 लो वो इतना वर्ष नाम ना जो उतल सुतल वो मुझे कामा वो एक्स मिनिस्टर तकर दुनी साहब निर्ग नाम लो दूला अभी दुनी पोलोग आया लोग चीफ इंजीनियर अपना हाईस्ट लेवल तक जो डिपार्टमेंट में पहुंच गया आल रहे पहुंच गया और रिटायर भी हो गया दुनी पोलोग आया लोग जी वो रिटायर पोजीशन लो आई गए सुपरनेशन पोजीशन लो रुन में मुन्ने आकर मैं पे नहीं रिटायर हम रिंगा मार मैं पे किंतु रिटायर नहीं तो विचिन तो 37 इयर्स पुल बेनिफिट्स पाना हम लगा 30 इयर्स होने से हो गया हम लोग वो बीआरएस एंड चिल्ला ला जिलो नून पब्लिक अभी रखते नहीं करते दो लोग रखो मैं ला वो हाला हालिक दो एवं मैं मिलियन नून हम थैंक यू वंस अगेन वो फैमिली हम वो परिवार हम थैंक यू और दुनी पॉलम वो सोसाइटी हम और गवर्नमेंट हम मेनी मेनी थैंक्स वो मुनु के लोग दुनी पॉलो आया लोग वो अभी तो ये रिटायरमेंट एज तक वो पहुंच गया है एमरन में वो जो कुछ भगवान दिया है वही काफी है अभी सुशाता रिटायरमेंट का बाद में आराम से घूमेगा फिरेगा बोल करके ओ नून में तो नौकरी रहने जी ऐसे नहीं है नौकरी नौकरी अंग्रेज नौकरी में अंदर में घुसते जाइए घुसते जाइए घुसते जाइए वो तो पता चलेगा ये एक पिंजरा में घुसा हुआ है मने एक लगा अब उसमें भी कितना ये है बहुत ये है इजी नहीं है नौकरी भी क्योंकि उसमें नौके पूर्ण लिबरल लिबरलिटी माने लिबर्टी नहीं है नौके कुछ ना कुछ गाइडेंस में ऑब्लिगेशंस है तो नौकरी इसीन तन में तकलीफ था तो किंतु इजी नहीं है नौकरी इसीन नौकरी में भी घुस करके उन तो रितियार तक पहुंच गया नहीं मैं तो एक दो किंतु इसमें भी नौकरी के अंदर में बहुत माने ऑब्लिगेशंस है गाइडेंस है नौके लाइफ एकदम फ्री जा मा दो एमरन में अकेले नून में तो उसी बिना रिटायर तो पहुंच गया है उन हम कुछ भी देखा नहीं है कुछ एक लेबर तो भी पहुंचा नहीं है ये किया नहीं है वो किया नहीं है हम लोग मेन लोग रहते हैं असली रियलिटी में ऐसा नहीं है यहाँ में नौकरी में घुसना स्पेशली रेस्पॉन्सिबल गजेटेड पोस्ट में घुसना मतलब नियम कानून प्रोजेक्ट्स डेडिकेशन उसको गवर्नमेंट का पॉलिसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है वो करने में नियम नीति जाने में अच्छा बुरा डॉक्यूम रिलेटिव डॉक्यूम ये डॉक्यूम काला ही मत हो इसलिए रिलेट हुई है लेकिन हुई है कि वो प्रोजेक्ट को अच्छा से इम्प्लीमेंट करने से वो स्कीम को अच्छा से इम्प्लीमेंट करने से डेवलपमेंट होता है वही सबको मदद है सबको अपना पर्सनली इंडिविजुअल काम डॉक्यूम सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट के लिए असली वही मैंने मदद है एम रेला मेहत लाका वो के इजाग जूनियर ऑफिसर का देचिन ऑफिसर सीनियर ऑफिसर का देचिन जूनियर का देचिन वो के किब किब आन का देचिन
नूनू मैथ पे ओके पब्लिक सिम मैथ पे आए चीफ इंजीनियर कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी लेवल लोग बहुत बड़ा सुस्ता होगा, लेकिन असली में रियलिटी में ऐसा नहीं है। आराब एकदम मैंने नोके हाथी एम सिंह काट के हाथी ऐसे ने एकदम आई का एकदम बड़ा हाथी है, ये सबसे बड़ा और सबको चखेगा सुस्ता है, लेकिन ऐसे नहीं है। असली देखने से पाओ में एक जंजीर उकली को करा लगे तो आगे जो माऊ का टॉक टॉक हम दे मेन दो एक गरीब है, जितना सीनियर ऑफिसर होगा इतने ही नियम कानून इतना प्रॉब्लम है। एक लगे अब जी उन लोग बागे साहब सिंह दो रितिया चला कितना नियम कानून है सेक्शन है, उन लोग तो मिनिस्टर दिखा दो सेक्शन है, उसका सेक्शन से तो हटे नहीं सकता है, और इंजीनियर है उसका स्पेसिफिकेशन से गाइडलाइन से जाया नहीं सकता, ऐसे हो करके जाने में उन लोगों का अपना आगे पीछे रिलेटिव मदद तो नहीं कर पाता है। सर्विस हम कौतम गला को आराम रेमे लंगांग में जो मिलकुने में जी एक का एमला सिम फर्स्ट टाइम रिटायर एक तारीख में दृश्य रिटायर हुआ कल एक दो तारीख हुआ फर्स्ट टाइम एस एक्सन साहब लोग गंगे घर लो इंतला गाना गाया है डाइवर्सन तद अरे साहब किसले गाना गाया हम पोविक सुना नहीं था मैंने एक रिलैक्स मैंने पिंजरा से निकाला हुआ जैसे पिंजरा था जैसे हिंदी फिल्म में बोलते हैं पंचभुनी उर्त पीरो मस्त गगन में आज मैं आजाद हूँ दुनिया के सामने मैं कुमसे अभी और एक दो दिन हम पंचभुनी करके घूमते रहेगा, अभी कोई प्रोटोकॉल नहीं है स्टेटस नहीं है, जहाँ भी जाएगा पान घूमती तमुल घूमती में भी नुम दिखाई देगा, जहाँ भी दारू वारू पीने की जगह में जाएगा जरूरत पड़ने से डीजे नेट में भी जाएगा कोई ये नहीं है, पूरा घूमेगा फिरेगा ये करेगा। तो अभी ये है इन्हें हाँ वो सोच कर आया था, लेकिन इजा तमाता आने में गुरे दुलोगत नो डिपार्टमेंट सर्विस को इजा पब्लिक सर्विस को नो रिकेंड मारे हम लाकुरे मेन ला मेन दो तमाते आने में ही आराम में शांति रे मेन जो मेन मेन एक को तपा दो अरे जिलो तो ओक सब्जे घामा कुके हमने अले तति मिंजरे वो एक लगावे जिलो वो एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप लोसिन व्हाट्सएप लोसिन उनके ऑनरेबल एमएलए वही सामने भी मैसेज भेजा था, मार्द साहब को भी भेजा था और ये गुंजू मार याओ ने भेजा था, आज तो कोई इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, एटलीस्ट कितने हमने सीनियर ऑफिसर यो यो मैन का नुनु हाथों का जो एक ब्लेसिंग चाहिए था वो भेजा था, लेकिन उन लोग भी सोचा होगा ऐसे जाएगा लेकिन उधर में तो बोलने वाला तो इधर पको पको होगा इसलिए उन लोग भी सावधान हुआ होगा। लेकिन अपना लड़का जो हम इतना ऐसे लेकर 37 ईयर्स में किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ गरीब हो रहा इधर उधर कॉलेज जाने समय में लैपटॉप खरीद दिया होगा, वही आदमी लोग भी कम से कम आना चाहिए था, कम से कम आज तो कोई पॉलिटिक्स बात नहीं था, लेकिन वो लोग भी अभी माने पॉलिटिक्स का नज़र में देख करके आया नहीं है। इन्हीं हाँ उन लोग दिल से तो हमको आशा सता होगा, ऐसे बात नहीं कि अपना अपना करियर के लिए अपना अपना ऑब्लिगेशन अपना ये है वो करता होगा, कमिटमेंट्स भी होता होगा क्या क्या होता होगा अहमदा कम यो काम एम रूम में दो लोग आदि जिलो जो कि भी यो पॉलिटिक्स तलबल हो गए अगर मेन जो काम है जस्ट नोक लगावे जस्ट रिसेप्शन ओके इंटरेक्शन ओके आई नो दमेन ते में नाच गान लोग तला चुका दुमपुर जो में एक ग्रैंड रिसेप्शन होगा काइंडली आप लोग सब आइए उधर में, तब असली मेरा अपना क्या पॉलिसी प्रोग्राम है पब्लिक के सामने आप लोग के सामने में रखेगा। एक लगावे वंस मोर थैंक यू योर डॉट कॉम आई नो गो नाम तीनम जो का मतलब सीन दो अलाका ओके वंस अगेन मेनी मेनी थैंक्स वो फैमिली तरफ लोग नुनु जिला आज ला वो रिसेप्शन मोला वो के इंटरेक्शन प्रोग्राम जो नुनु आयु मोमाई जंग पक रहा नाम लगा एकदम तहे दिल से वो दिल से नुनु थैंक यू वेरी मच नमन करता हूँ। सर ने अपनी यहाँ पे स्ट्रगल शेयर की, खुशी भरी बातें शेयर की, थोड़ा दुख भी शेयर किया, सर ने कहा कुछ लोग मिसिंग है मगर आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल बिहाइंड यू सर, आपके पीछे कई सारे लोग हैं, आप सब सर के लिए आए हो ना, कौन कौन यहाँ पे तावे सर के लिए आया है सर यू कैन आप देख सकते हो ये इतने ज्यादा लोग आपके लिए चिल्ला रहे हैं सुन रहे हैं आपको, तो इससे बड़ी अचीवमेंट आई थिंक आप आज के लिए कोई नहीं हो सकता, ये सब आपको प्यार करने वाले हैं तो आप खुश हो जाइएगा वापस और फिर जाके आप ठीक से इंजॉय करिएगा, पंछी बनू उड़ती फिरू करते रहिएगा ठीक है।
चलिए हमारा जो ऑफिशियल प्रोग्राम है उसके हम आखिरी पड़ाव पे पहुंचते हैं। वो तो थैंक्स के लिए बुलाना चाहूंगी चेयरमैन ICR यूथ श्री राकम दुगी जी को। प्लीज जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। मने मने गाम गुड इवनिंग कन कन इसे कनो पकुना पर हर जगह कनो का शिमार है असिन रोदी दो गो बहुत ऑफ थैंक्स हम मेम माते गो नुलु अगु में ये दो पद हम गो रिक्वेस्ट दो नुन सो आग्रेला असिन सिंपम असिर गो नुन दजित का असिन दमाव कनो तनी कनो कुमाव का और असिनम दत्तला गुनु अरिकु मेमा बका गुन का असली प्रोग्राम दो पनला आई असली प्रोग्राम दो पनला हिजा के है गुन का जो प्रोग्राम था त्रेरार था ओरिजिनल प्रोग्राम अभी है तो इसलिए जो आगे दाइस में जो बेता है आप सभी को भी रिक्वेस्ट है असिन दत्त को लगुन अरिकु मेमा बका जैसे भी गुन का प्रोग्राम हम काफी जिला का अगरेला सोल का सो तबे दुनिया का रिटायर काम रिसेप्शन प्रोग्राम सो दिन से आज न गो ग सीनियर गद रेपर रंजा सर एडवोकेट पुतो बुई मैडम दुनी गो ग के डी मिशन ग चेयरमैन गमेश सर और सीनियर मोस्ट गो से फैमिली का यम्पा बागी सर और गो खारगा का सीनियर और गो दुमपुरी जो का पस्त मिनिस्टर ऋषि यासुंग ने गो तकर दुजी सर और दुमपुरी जो का यंगेस्ट एमएलए बरी ने गो पंगा बागी सर और गो गारा सर सीनियर गुन के तुबी का बने में कोबी गारा सर और गो सका गाली बराबर सका गाली सर और के बी के डी मिशन का वाइस चेयरमैन रातो दुगी सर और के डी मिशन का सेक्रेटरी गो तन्या ताजी सर और मनु मन किंगम लाकुमा नुन सोलो संदे दिन लो दोनी पोलोंग दोनी पोल दो समय दोपे क्रिस्टान क्रिस्टान सार दोपे हम नुनु परमिशन खोला मासी तबे दुनिया का रिटायर प्रोग्राम सोंगुन आला सिम कुमलुक जोलुक जिला जो आशीर्वाद जिला जो हला आने के दम गो नुन मने मने गम गो उम्बोनी का हला कुम तला सोलोंगो का नुन ऐने साने के दुखों ने प्रोग्राम कापे गुला गुस्सा कुछ कम दिखते तो एक दिखवा बका कुर्बान तार कुर्मा दबे और नून हम वो सर्कुल सर्कुल का गुसर सर्कुल का दुमपुरी जो गतरेपा और बारुरी जो मारो सर्कुल का जो जो ऐतानगर दो तल सो आने के दम वो नून हम उम्बों जी का हलक कुमलुक जी तो कुमलुक सोल का प्रोग्राम सो आज नाम लगा उम्बों जी का। तो सर आपको नमस्कार हमारे टीम MPL न्यूज लैब में आज जो है मास रिसेप्शन प्रोग्राम कम इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा गया है कि आपका ही नाम पर तो हम जानना चाहेंगे आपका लाइव हिस्ट्री फ्रॉम एजुकेशन आप कहाँ से की कहाँ से किया आपको क्यों क्या क्या तकलीफ महसूस होना पड़ा ये सब रिलेटेड आप कुछ बता दीजिए। मैं मेरा प्राइमरी स्कूल अपना दुला विलेज से क्या हूँ 1969 से फिर उधर से ले करके मैं कॉलेज तक 1985-86 तक मैं कॉलेज अपना डिग्री बी डिग्री खत्म किया हूँ। तो सर आपका सर्विस लाइफ में कुछ ऐसा कुछ तकलीफ मिला जो जिसका आप अभी तक आप जो याद रख रहे हैं? मेरा सर्विस लाइफ में तो बहुत स्मूथली हुआ कोई तकलीफ नहीं है तुरा मुरा अपना प्रोजेक्ट का इधर उधर का तो होता है वो तो लेकिन ओवरकम किया है और मैं सिंचाली परफॉर्म किया हूँ अपना ड्यूटी और बेस्ट पॉसिबल अपना स्टेट का डेवलपमेंट के लिए मेरा अपना बहुत कंट्रीब्यूशन किया हूँ। थैंक यू सर। सर मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि आप में ऐसा क्या क्वालिटी है जो आज उम्मीदवार के तौर पर आ रहे? नहीं उम्मीदवार तो हमारा पब्लिक लोग हमारा ऊपर में भरोसा है इसलिए
किया है और उसका भरोसा को तो हम आगे बढ़ाएगा और मैं पब्लिक का सेवा के लिए हमेशा रेडी रहूँगा। तो सर आप पब्लिक को क्या मैसेज या क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि हम पब्लिक हमको हमारा और नेक्स्ट जो इनिंग्स है पब्लिक सर्विस के लिए आफ्टर गवर्नमेंट सर्विस का बाद आएगा तो पब्लिक हमको थोड़ा साथ दे, हमको भी एक मौका दीजिए पब्लिक सेवा के लिए। जी थैंक यू सर। नेक्स्ट फॉर्मर एमएलए सर जी आप क्या कहना चाहेंगे आज का प्रोग्राम को लेकर के? आज यहाँ जितना लोग यहाँ बैठे हैं धूमपुरजो के वासी यहाँ हमारे वहाँ के सीनियर जो चीफ इंजीनियर रहा कुबे दुनी उनके बीआरएस के बाद आसपास रिसेप्शन प्रोग्राम है और इसमें उन्होंने रिसेप्शन कम पब्लिक इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा है और मैं जितना भी यहाँ के लोग आए उन सभी को उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि कुबे दुनी को स्वागत करने के लिए और आने वाला समय के लिए मैं जितने भी धूमपुरजो के पब्लिक है उन्हें कुबे दुनी का साथ देने के लिए मॉरली फिजिकली उनके साथ देने के लिए मैं अपील करता हूँ क्योंकि कुबे दुनी वो एक शख्स है जो हमारे धूमपुरजो में आज जितने लोग काब देख रहे हैं उसे पूरा करने का क्षमता रखता है। विद दिस वर्ड आई वुड लाइक टू अपील एवरीवन टू सपोर्ट कुबे दुनी। तो सर पहले आपका स्पीच में भी देखा जाओ वन बुज वन धूमपुरजो इसका मेन मकसद क्या है, क्या इसका संदेश देना चाह रहा था, इसका टीम्स क्या है? वन धूमपुरजो वन बॉयज ये कुबे दुनी टीम का एक टीम है। इसका जो एक्सप्लेनेशन इस तरह से कर सकता है कि हमारे धूमपुरजो में बहुत सा जनजाति रहते हैं, वहाँ में बहुत सा क्लान है, बहुत सा ट्राइब है और वहाँ में बहुत सा रिलीजन्स फॉलो करने वाला है और डिफरेंट रीजन्स का है, तो वो सभी को धूमपुरजो का एक परिवार मानते हैं और ये टीम उसके लिए एक आवाज़ बनना चाहता है, उसका दुख दर्द का एक आवाज़ बनना चाहता है, इसलिए हम कहते हैं कि वन धूमपुरजो वन वॉइस। मेरा स्पीच में एक्चुअली ये कवर अप किया था कि हम अगर लीडरशिप बदलना है तो हमें एरिया का डेवलपमेंट का सर्टेन इंडेक्स को हम मेजर करना चाहिए। उस इंडेक्स में मैंने ये बोला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स में आने वाले पिछले 5 साल में से 19 to 24 में डेवलपमेंट इतना नहीं रहा, उसका एक एग्जांपल मैंने बताया था कि वहाँ में 5 सर्कल है, आउट ऑफ 5 सर्कल्स में 14 to 19 में हमारे वहाँ गुसार में सीओ सर्कल ऑपरेशनलाइज था, वहाँ सीओ इस्टेब्लिश होता था, लेकिन आज 19 to 24 में वहाँ का सीओ ऑफिस डिफंक्ट रह गया, गुसार से शिफ्ट होकर धूमपुरजो चला गया, ये एक इंडेक्स मैंने बताया था। उसी तरह मैं हेल्थ सेक्टर का इंडेक्स में बताया, फिर एडुकेशन का बताया, तो उस हिसाब से मैं सोचता कि जो कुबे दुनी साहब है वो आने वाला 24 to 29 में अगर वहाँ के पब्लिक धूमपुरजो के पब्लिक जनता उन्हें बहुमत से साथ दे के उन्हें जिताएंगे तो वो एक नेता के तौर पे ये जो कमियां को पूरा करेगा ये विश्वास करता है। थैंक यू सर। नेक्स्ट तो सर आप क्या कहना चाहेंगे आज का प्रोग्राम को लेकर के? देखो आज का प्रोग्राम जो एक्चुअली जो है हमारा जो तभी दुनिया सर जो इतना ये जो गवर्नमेंट सर्विस हो कितना पब्लिक को सर्व किया, गवर्नमेंट का सेवा किया, तो उसका जर्नी बहुत अच्छा लगा, अच्छा हुआ, इसलिए कि उसका रिटायरमेंट हो गया। ये हमारे एक धूमपुरजो में और एक ऑफिसर होकर भी इतना सोशल सर्विस काम किया, इतना जो गरीब आदमी को सेवा किया, तो इसलिए कि आज जितना उसका जो यह रिटायरमेंट में सब आ गया, यहाँ पर इंट्रक्शन प्रोग्राम कोई पब्लिक अपना से पूरा आ गया यहाँ में उसको मिलने के लिए, तो इसलिए कि आज हम उसको रिसेप्शन कराया और इंट्रक्शन प्रोग्राम कराया जो हम लोग खुद पब्लिक ने उसको ऑर्गेनाइज कराया, इसलिए और सर का वो है कि अभी उसका रिटायर होने के बाद भी और सर का एक मन भी है कि चलो हम एक पब्लिक सेवा करेंगे, अभी रिटायर होकर मैं क्या कर पाता हूँ, तो पब्लिक भी दीमन है सर का से लिए और आप पब्लिक गवर्नमेंट को तो सेवा तो कर दिया इतना साल में और अभी जो है पब्लिक सेवा भी कर दीजिए, आप रिटायर होने के बाद क्यों ऐसे बैठेगा, तो आपके साथ रहना है, इसलिए आज जितना ये प्रोग्राम बनाया कुछ पब्लिक ने अरेंज कराया और पब्लिक ने सर को बुलाया और पब्लिक ने सर को रिसेप्शन कराया उसका रिटायरमेंट को देख के और उसे ड्यूरिंग इज गवर्नमेंट जॉब टाइम इज सर्विंग द लॉट ऑफ द हेल्प फॉर द पोअर पीपल्स एंड पर्टिकुलर इन द एजुकेशन सेक्टर्स। हाँ वही है जी। फॉर्मर मिनिस्टर सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो कुछ कहना तो नहीं है, फिर भी जब पार्टी में अटेंड किया इसका मकसद क्या है? मकसद तो
कहीं ना कहीं कोने में छिपा हुआ है। अगर कुबेदनी साहब हम राजनीति में नहीं आएगा बोलने से भी पब्लिक अगर चाहेगा तो आना ही पड़ेगा। सो यहाँ में तो कोई छिपाने का बात ही नहीं है। नंबर वन वो पब्लिक डिमांड है। डेमोक्रेसी कंट्री में ये पब्लिक का राइट बनता है। डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स पावर। तो पीपल आप लोग के पावर को देगा। कुबेदनी जितना बनने से भी नहीं होगा, लेकिन आप हम सबका फीलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर जैसा मिल जाने से हर चीज़ कामयाब होगा। और मैं कुबेदनी को ये भी सोच रहा है वो चीजों इतना मैंने मेच्योर्ड इनफ इंजीनियरिंग सो हर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड नीच हेल्प ऑफ द टेक्निकल। टेक्निकल में बोलने से इंजीनियरिंग विंग में ज़्यादातर काम को होता है तो पब्लिक का पुकार भी हुई है वो डेवलपमेंट को दिलाना है। और जैसा डिमांड देगा इस प्रकार से कर देने से मैं भी एक बुरा का नाते आभारी होगा। और पब्लिक आप सभी भी ह्यू एंड क्राई नहीं होना है। डिमांड जैसा आता है डिमांड का मुताबिक आपका लीडर कैसा मीटअप करेगा इसी को भी आप लोग के सही दिशा में इंतजार करना है। वन डे आपका फसल तो राइप होगा, पक जाएगा। मैं इतना ही कह करके मेरा आशा है कुबेदनी करीब से बचपन से हमारा साथ था। हम दोनों एजुकेशन भी स्टार्ट किया, उनको मैं गाइड किया। तो इस प्रकार से अभी भी हमारा विजन हमारा चूस विचार कुबेदनी इंजीनियरिंग तक इंजीनियरिंग लोग तकने नहीं सकेगा। वो कोना कोना का बिल को भी मिला सकेगा। आपका यहाँ में ज़्यादा हो गया कम हो गया बोल सकेगा। तो इसीलिए आज हम लोग फॉर्चुनेट इनफ है एक इंजीनियरिंग आपका पीपल रिप्रेजेंटेटिव होगा लीडर होगा उसको कैसे इंजीनियरिंग तोगेगा। वो टेक्निकल पार्ट में एजुकेशन करके आया है, पुल बिल करके आया है, मेच्योर्ड इनफ। तो इसीलिए मेरा 100% भरोसा है आपका डेवलपमेंट ठीक रहेगा। मैं इतना ही कह करके मेरा वक्त को खत्म करता हूँ। थैंक यू सर। सर तो मैं दुमप्रजा के सभी वर्ग के लोगों को जो ब्यूरोक्रेट है, टेक्नोक्रेट है, जो किसान है, जो युवा है, जो औरतें हैं, जो आम पब्लिक है, उन सभी को अपील करता है कि अगर आपको दुमप्रजा में एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आपको एक अकाउंटेबिलिटी चाहिए और आपको एक बैलेंस डेवलपमेंट चाहिए तो टीम कुबेदनी से जोड़िए। यही मेरा अपील है। धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा ये कुबेदनी जो है यही से उसका सर्विस शुरू है। आज चीफ इंजीनियर तो इंद हो गया पब्लिक सर्विस जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इसमें देखा है तो इनका कुबेदनी का तबेदनी का कोई एडवांस रिकॉर्ड नहीं है। यही से लेकर अभी तक एडवांस रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए घेगोंगा पंख सबसे लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर था उस समय में। एक एग्जीक्यूटिव में भी घेगोंगा पंख चुन के वही रखा था अपना पास। अभी चीफ इंजीनियर यहाँ में हजार चीफ इंजीनियर था लेकिन तबे दुनिया का विजिलेंस क्लियर होकर प्रमोशन मिलते ही चीफ मिनिस्टर कांदू साहब अपना त्वांग में ले गया क्योंकि उसका कोई एडवांस रिकॉर्ड नहीं है यही से लेकर अभी तक। तो हम लोग वही उम्मीद करता है कि ये पब्लिक सेवा में आने से पक्का हम लोग को जैसे सर्विस में ना एक बार भी एक्सप्लेनेशन खाया, ना एक बार चौकोज नोटिस खाया, ना एक बार सस्पेंशन खाया, कुछ भी नहीं हुआ है उनका लाइफ में सर्विस लेंथ में। और स्टूडेंट के समय से ना कभी क्रिमिनल काम किया, तना में गया, कभी कोई अरेस्ट हुआ है, यह सब भी नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम लोग यही उम्मीद करता है कि दुमप्रजा का वासी हूँ तबेदनी जैसे क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन इंजीनियर बन के भी घुतला काम नहीं करने वाला लीडर बनकर हम लोग को पक्का कुछ ना कुछ कर देगा समाज के लिए, दुमप्रजा का भलाई के लिए। यही उम्मीद से हम लोग इनको प्रपोज किया है और हम लोग साथ देने के लिए रेडी है। तबेदनी जिंदाबाद। मम्मी बोल दो ना। थैंक यू मीडिया पर्सन। अब मैं ये केडी मिशन का चेयरमैन हूँ, कोर कमेटी का। अब मुझे आज का प्रोग्राम देख के अब बहुत खुशी हो रहा है कि हमारा दुमप्रजा जो कंटिन्सी से वहाँ मेरा कंटिन्सी में बहुत लोग है तो
वहाँ बांगो है, टाइन टतर बांगो है, तोपैसे बांगो है, करगाकरा बांगो है, डेन प्लस सीवियस क्लान जो बोलता है, लोडू है, न्यूई है, बुगुम है, करका है, यूबो है, तमेन है, सब लोग मिलके बिना ये देखे, ये कैंडिडेट को कभी देखा नहीं है, इनका नाम सुन के, इसका ओनेस्टी को देख के, इसका जो कोई इसका अगेंस्ट में कोई एलिगेशन नहीं है, इतना लॉन्ग मतलब टर्म ऑफ सर्विस लाइफ में इनका कुछ एलिगेशन नहीं है, ये क्लियर आदमी है बोल के, इनका गुण को देख के सुन के जो देखा नहीं है वो लोग भी देखने को आया है आज, तो इन लोग को बहुत लोग को बुलाया नहीं, वो लोग अपना से आया है आके हमारा कैंडिडेट क्या है कैसा है और उसका उसका मतलब सुन के जो उसका करेक्टर को सुन के उसका जो ये ओनेस्टी को सुन के सही आदमी सही है नहीं कि देखने को भी आया है बहुत लोग ऐसा कर मैं उम्मीद करता है मेरा जितना भी डुमपुरजो कॉन्स्टिट्यूंसी का अभी जो आज नहीं आया तो हम वहाँ फिर प्रोग्राम बनाने जा रहा है रिसेप्शन का वहाँ सब आ जाएगा डुमपुरजो का जितना कॉन्स्टिट्यूंसी का जितना आदमी है टाइन तत्तर का तोपो हेसे का करगाकर का जितना और जितना जो क्लान है सीबीओ से वो सब आएगा आके उस समय और हम लोग इस तरह आज का जैसा इंटरेक्शन प्रोग्राम होगा थैंक यू